तो अभी तक आप लोग भीष्म देव की स्तुति सुनते हुए आए हैं, उसके बाद अब सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पे श्लोक में कि इस प्रकार से भगवान की स्तुति करके भीष्म देव ने अपने मन को, अपनी वाणी को, दृष्टि की वृत्ति, वृत्ति मतलब कार्यकलापों को भगवान को समर्पित करके, उसके बाद मन को अपने आप को भगवान को, अपने आप अपने मन को या अपने आप को भगवान को समर्पित करके, अभिनिविष्ट करके, बाह्य वृत्तियों से अपनी वृत्तियों को खींच लिया ताकि वो भगवान के पास अब जा सकें। तो दो श्लोक आप देखेंगे और बड़े आश्चर्यजनक हैं, देखने बहुत सिंपल है, आप टीका देखेंगे तब चकित हो जाएंगे। मेरे पीछे बोलिए, कौन बोल रहे हैं हमारे? अच्छा, ऑफिशियल चैंटर नहीं है तो ठीक है, अनऑफिशियल, ऑफिशियल चैंटर भी देयर, यस प्लीज चैंट। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवाध्याय 43वां श्लोक। सूत उवाच, सूत उवाच, कृष्ण एवं भगवती, कृष्ण एवं भगवती, मनोवाग दृष्टिवृत्त भी, मनोवाग दृष्टिवृत्त भी, आत्मन्यात्मानम आवेश, आत्मन्यात्मनाम आवेश, सोन्तः श्वास उपारम, सोन्तः श्वास उपारम। सूत उवाच, सूत उवाच, कृष्ण एवं भगवती, कृष्ण एवं भगवती, मनोवाग दृष्टिवृत्त भी, मनोवाग दृष्टिवृत्त भी, आत्मानम आत्मन्य आत्मानम आवेश्य, आत्मन्य आत्मानम देश्य, सोन्तः श्वास उपारम, सोन्तः श्वास उपारम। सूत उवाच, सूत उवाच, कृष्ण एवं भगवती, कृष्ण एवं भगवती, मनोवाग दृष्टिवृत्त भी, मनोवाग दृष्टिवृत्त भी, आत्मन्य आत्मनम अवेश्य, आत्मन्य आत्मनम आवेश्य, सोऽन्त श्वास उपारम, सोऽन्त श्वास उपारम। ओके, अनुवाद देखते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी सांस रुक गई। रुक गई मतलब ने रोक दी, जैसे यहाँ पे लोगों की सांस रुक जाती है, ऐसा नहीं। आप पहले से जानते हो कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो शब्दों को देखिए, सूत उवाचा अर्थात सूत गोस्वामी जी ने कहा, कृष्णम कृष्ण एवं भगवती, भगवान श्री कृष्ण में एवं अर्थात इस प्रकार। अभी तक आप देख रहे थे मन से भगवान का रूप का स्मरण कर रहे हैं, पार्थ सारथी स्वरूप का, वाणी से भगवान का गुणगान कर रहे हैं और दृष्टि भी भगवान पे है। वैसे देखा जाए तो दृष्टि उधर मन से स्मरण कर रहे हैं फिर भी भगवान को देख रहे, क्योंकि तम और इमाम लिखा, तम इमाम अहम अजिम शरीर भाजम, उन भगवान पार्थसारथी स्वरूप का स्मरण कर रहा हूं और इमाम जो मेरे सामने है। तो आप देख सकते हैं कि वृत्तियों को, मन की वृत्ति को, वाणी की वृत्ति को और दृष्टि की वृत्ति, वृत्ति समझ रहे, जैसे भी आप लोग आंखों से भागवत देख रहे हैं, एक वृत्ति है, कार्य है। मैं वाणी से भागवत को बोल रहा हूँ, भगवान के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, तो ये मेरी वाणी की वृत्ति है। कान से आप सुन रहे हैं, ये कान की वृत्ति, और मन से कुछ सोचने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन अभी भी आप देख सकते हैं कि इन तीनों वृत्तियों को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं कि नहीं, और आपको महसूस होता भी कि जितनी जहां जहां ये वृत्ति लगाई जाती है तो मन भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। अगर किसी चीज को अदृष्टात असतात भावा न भाव उपजाए, तो जो देखा नहीं है, जो सुना नहीं है, वो उसका ख्याल कभी मन में नहीं आता है। तो ये वृत्तियां लगेंगी तभी हमारा मन भी भगवान में लगेगा, बिना वृत्ति लगाए मन भगवान में लगने वाला नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाणी की वृत्ति इत्यादि नहीं लगाते हैं, दृष्टि नहीं लगाते हैं, भगवान को नहीं देखेंगे, भगवान के बारे में नहीं बोलेंगे, जप नहीं करेंगे, तो अपने आप मन नहीं लगने लग जाएगा। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी बोला करते थे, वो प्रवचन में कह रहे थे, इसमें नाम नाम अकारी बहुधा वाले में कह रहे थे, कुछ लोग कहते हैं 20 साल हो गए महाराज जी प्रभु जी हमारा मन नहीं लगता है, जब कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लगता है, तो छोड़ देने से नहीं लगने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब नहीं करेंगे तो मन लगने लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों वृत्तियों को भगवान में समर्पित किया, आत्मनी
आत्मनि अर्थात परमात्मनि भगवान में, आत्मानम, आत्मानम दिख पा रहे हैं श्लोक में, आत्मन्य प्लस आत्मानम हो जाएगा आत्मन्य आत्मानम, आत्मनि अर्थात परमात्मा में, वही परमात्मा कोई और नहीं भगवान कृष्ण में, आत्मानम अपने आप को आवेश्य अभिनिविष्ट करके एब्जॉर्ब करके, सह मतलब वह विष्णुदेव, अंतः श्वास उपारमत, श्वास खींची और बस रोक दिया। देखिए यहां ये नहीं कह रहे कि मर गए, ये बहुत समाधिस्त तो हो गए बिल्कुल, अब बाहर वृत्ति को बिल्कुल प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना होगा। अपारम उपारमत का मतलब उपरमित हो गए, वह अपनी वृत्तियों को रोक दिया, ना दृष्टि और सब वृत्ति जो सब थी वो आंतरिक हो गई, केवल भगवान में समाधिस्थ होकर के भगवान के पास अब जाने की तैयारी करने लगे, जैसे जो भक्त जानते चित्रकेतु महाराज भी इसी प्रकार से हो गए थे, क्षमा कीजिएगा चित्रकेतु जो वृत्तासुर बन गए, तो वृत्तासुर भी युद्ध करना बंद कर दिए थे, वो तो इंद्र को खा जाते हैं पेट में, फिर उसके बाद भगवान का ही ध्यान करते हैं, फिर उनका पेट फाड़ करके इंद्र बाहर आ जाते हैं, फिर भी उनको बाह्य अनुसंधान नहीं रहता, तो ये अनुसंधान बाहर नहीं कहा नहीं रहा है, और फिर उसके बाद यहां से वो शरीर त्याग करके भगवान के पास चले जाते, ठीक है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग इन वृत्तियों को भगवान को समर्पित करना जानते नहीं है, यानी कि दृष्टि की वृत्ति का मतलब था कि आंखें भगवान को ही देख रही थी, कहीं और नहीं देख रही थी, कहीं और नहीं जा रहे थे। आपको याद हो निवृत्ति सर्वेंद्र निवृत्ति ब्रह्मा, जो उनकी सभी इंद्रियों की वृत्ति थी वह अब समाप्त हो गई थी, केवल भगवान को ही देख रहे थे। मन भगवान के सुंदर रूप के चिंतन में आ सकता था, याद आ रहा है कल तो खूब चर्चा की थी इसके ऊपर, भगवान के बहुत सारे रूप हैं लेकिन उनका मन केवल पार्थ सारथी स्वरूप में ही आ सकता था, और वाणी से भगवान का गुणगान कर रहे थे इतिमातीत इत्यादि इत्यादि। तो अब ये समझना होगा कि इस प्रकार से भगवान का भजन होता है, ऐसा नहीं कि चुप चुप बैठे रहो और उसे भगवान की भक्ति हो जाती है, दृष्टि को भगवान में लगाना चाहिए। कुछ लोग ना आलस में करते हैं कि तो भगवान सब जगह हैं, मंदिर में जाने की क्या जरूरत, कहते बस केवल ध्यान करो, और प्राय लोग इस प्रकार के जो ध्यान करने में लगे रहते हैं वो झपकी मारते रहते हैं। यहां तो भक्त लोग बोलते बोलते झपकी मार लेते हैं, तो सोचिए चुपचाप बैठेंगे तो क्या होगा कि नहीं, कितने आश्चर्य की बात है कि मंदिर में सब लोग बोल रहे हैं उसमें भी भक्त लोग सोने का मौका ढूंढ लेते हैं, सोने की वृत्ति नहीं जाती है, तो सोचिए जो चुपचाप बैठा हुआ है, और वो चुपचाप बैठा भी हुआ है तो क्या सोच रहा है कुछ नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए मंदिर में सब लोग, मान के लीजिए लोग हरे कृष्णा बोल रहे हैं, अर्थ क्या है, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण हमको अपनी सेवा में नियोजित की जाए, भले मन में कुछ भी सोच रहा लेकिन बोल तो यही रहा है ना कि हमें अपनी सेवा में लगाइए, हमें अपनी सेवा में लगाइए, और सब कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र बोला जा रहा है कि नहीं। तो उससे अच्छा है कि व्यक्ति अपने इस तथा कहते ध्यान की बजाय व्यक्ति अच्छा है कि भगवान को, और बहुत अच्छा है कि भगवान को विग्रह के रूप में मंदिर में देखे। और मैं पहले भी बता चुका हूं 10:12:39 कि भगवान के विग्रह को सत्सकृद एव सप्रतिमा सकृदाद दीत, एक बार भी भगवान के अंग जो अंग है जो प्रतिमा है जबरदस्ती मनोमयी मन में जबरदस्ती एक बार भी किया है तो भगवान उसको भागवती गति देते हैं। भगवान के अंगों की ये विशेषता है, इसीलिए मंगल आरती में भगवान का दर्शन करने जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अन्य आरतियों में नहीं जा सकते, लेकिन मंगल आरती में काफी संभावना है कि आप स्थिर होकर भगवान को देख पाएंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जब हम इस प्रकार से अपनी दृष्टि की वृत्ति को भगवान में लगाते हैं, और हर व्यक्ति भक्त जो नियमित रूप से जा रहा है वो अनुभव करता है कि भगवान आज कुछ नए लग रहे हैं, नहीं लग रहे बताइए, हैं वही भगवान लेकिन हर दिन नए लगते हैं, सुंदर दर्शन भगवान का प्राप्त होता है। तो ये भगवान की कृपा भी है कि देखिए आजकल घर बैठे भी वो लोग इस्कॉन वृंदावन और कहाँ कहाँ का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, कितनी सुंदर बात है, ये लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, नहीं तो आने के लिए कितना समय लगता था बताइए, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये बहुत विशेष बात है, इसको एक महाराज जी बता रहे थे कि भगवान शिव संप्रदाय का प्रपन्नामृत ग्रंथ है, जहां तक विस्मरण आ रहा है, मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन वो भक्त बता रहे थे कि भगवान के जितने भी अवतार हैं वो भगवान के विग्रह के अवतार में, विग्रह रूपी अवतार में भगवान के में सम्मिलित रहते हैं, उनका ये विशेष बात है। तो भगवान के हम क्यों मूर्ति के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, अपितु भगवान का साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं, यह श्रीमद् भागवतम के एविडेंस से हमें स्वीकार करना होगा।
भगवान के जितने भी स्वरूप हैं वह सब भगवान के विग्रह में प्रस्तुत होते हैं, साक्षात कृष्ण बल। जैसे प्रभुपाद जी से पूछा गया था, ये आप मंदिर बना रहे हो बाहर वृंदावन के, इतना बाहर कौन आएगा? तो प्रभुपाद जी कहे जहां कृष्ण होंगे वहां लोग आएंगे, देखने के लिए आएंगे। ठीक है, तो वो तो भक्ति जितनी बढ़ेगी, जैसे कि अब आप चैतन्य चरितामृत सुनेंगे ही, कृष्ण उस ब्राह्मण से, छोटे वाले ब्राह्मण से बोलता है, ब्राह्मण कहता चलो मेरी शादी का आपको, आपने मेरे बड़े ब्राह्मण ने बोला था कि अपनी लड़की मेरे को देगा, आपने इसका वादा कहा तो उसके यहाँ साक्षी है, जाके साक्षी दीजिए। तो कहते हैं भगवान विग्रह हमसे बोल रहा है, गोपाल जी बोल रहे हैं हमसे, कहते अरे मैं तो विग्रह हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ? तो भक्त जब आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। तो इस प्रकार का आदान प्रदान भक्तों का भगवान के विग्रह से होता है कि नहीं? ठीक है, तो हाँ इसमें तो ये दृष्टि की वृत्ति होगी। और उसमें देखिए कुछ आलसी ऐसे होते हैं जो वाणी की वृत्ति नहीं लगाएंगे, ये तो बहुत लोग घूमते हैं। आप किसी को पूछो जप हो रहा है, हाँ प्रभु जी सांस सांस में हो रहा है, अजपा जप बिना जप किए जप हो रहा है, और आंख कहाँ है? टीवी में, टीवी में देख रहा है और सांस सांस में जप हो रहा है, एकदम परिवर्तन नहीं। और आप देखिए जो भी व्यक्ति दो चार माला भी वाणी की वृत्ति लगाता है, हरे कृष्ण बोल रहा है, तो निश्चित रूप से उसके हृदय में आप परिवर्तन देखेंगे, उसी गंदी आदत छूट जाएगी। इसको महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं कि हम लोग सिमरण कर रहे हैं, बोलना नहीं है, सुमरण नाम स्मरण स्मरण कर रहे हैं। स्मरण का मतलब है कीर्तन, क्योंकि कीर्तन में स्मरण नेत होता है। तो इसलिए लगातार भगवान पितामह भगवान को देख रहे हैं अपनी दृष्टि से, और आत्म नहीं मतलब भगवान में अपने आप को आवेशित करके वह सांस को अंदर खींच लिया, अब वह तैयार हो गए भगवान के पास वापस आने के लिए। ऐसे भी समझ सकते हैं, शरीर त्याग दिया, इस तरह से भी समझ सकते हैं। अन्वय, मनोवाग दृष्टि वृत्त भी, मन वाणी तथा दृष्टि की वृत्तियों को, वृत्ति समझ रहे हैं कार्यों को, आत्मनि अर्थात परमात्मा में, भगवती कृष्ण भगवान कृष्ण में एवं इस प्रकार समझ रहे हैं। अभी तक आप जो स्तुतियां सुनते आए हैं उसमें बार बार भीष्म पितामह बोल रहे हैं ना, मन किस में आ सकता है, दृष्टि से किसको देख रहे हैं, वाणी से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो ये आप 11 श्लोक देखिए, इस प्रकार बोलते हुए अपने को आवेशित किया है। कुछ याद आ रहा है कि जो वाणी बहुत सारे हजारों विषयों पर बोलती थी, अब उसको इकट्ठा करके भगवान में ही आवेशित कर रहे हैं। जो शुरुआत से सुनते आए हैं वो समझ रहे हैं इस बात को। तो इसलिए अपने आप को, यानी स्वयं को मतलब अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को आविष्ट करके, अब्सॉर्ब करके, सह अर्थात वह भीष्मदेव अंतः श्वास उपारमत, अंतिम श्वास को खींचकर शांत हो गए, मतलब अब बाह्य वृत्ति बिल्कुल प्रकाशित नहीं कर रहे थे, समाधिस्थ हो गए। ठीक है, सारा दर्शनी, इस प्रकार भीष्मदेव ने आत्मनि अर्थात अपने हृदय में स्थित पार्थ सारथी स्वरूप कृष्ण में, तो इसको और क्लियर कर रहे हैं कि किस रूप में, आत्मनि तो परमात्मा का तो चतुर्भुज रूप भी होता है, लेकिन आप जान रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि पहले कल सुना था ना आपने कि मेरे हृदय में तो पार्थ सारथी घर बना लिए हैं, अब इसमें परमात्मा के लिए स्थान नहीं है, क्या अलग अलग व्यक्ति नहीं है, लेकिन मेरा मन तो पार्थ सारथी स्वरूप में ही जा रहा है, उस रूप में अर्थात स्वयं को आत्मानम अर्थात स्वयं को आवेशित कर लिया और अपनी सांस रोक दी, अंतः श्वास अंदर सांस लिया, कुंभक कर लिया, आंतरिक कुंभक। उपारमत का अर्थ है कि उन्होंने बाह्य वृत्ति रोक दी, बाह्य वृत्ति मतलब इंद्रियों का बाहर जाना, दृष्टि का बाहर जाना, वाणी के द्वारा बाहर की वस्तुओं का कोई भी वर्णन बंद कर दिया, केवल भगवान में, अब चित्त भगवान में लगा हुआ है। तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है, भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, निर्विकल्प समाधि क्या होती है, विकल्प समझते हैं, विकल्प को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑप्शन, ये भी है और वह भी है। अब निर्विकल्प का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, और अब कोई नहीं है, ये अलाउड नहीं है, हमारे गौशाला के डोनेशन उसमें आप 500 रुपये जमा कर सकते हैं रेली, अगर यहाँ पे जमा, और दूर जाने की जरूरत नहीं है, पर्ची यहीं कट जाएगी, पार्थ तो है पर्ची बुक लेके आई, जिसका फोन बजेगा वो 500 रुपये जमा करेगा।
यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है। देखिए ये क्लास एकदम कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं, एकदम आपका एक फोन भक्तों, ये अपराध है, भक्तों का मन की वृत्ति उधर आपकी घंटी में चली जाती है। सो इफ यू आर नॉट कॉन्शियस डोंट कम टू क्लास एट लीस्ट लाइव, यू कैन बी यू आर मोस्ट वेलकम टू बी ऑन जूम बट डोंट डिस्टर्ब द क्लास विद मोबाइल फोन, अदरवाइज 500 रुपये जमा कीजिए, 500 रुपये पीछे हैं, आपको ड्यू रिसीट प्राप्त हो जाएगी। चलिए डांट दिया, आगे बढ़ते हैं। वृत्ति निर्विकल्प, विकल्प समझ में आया, निर्विकल्प का अर्थ है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और जगह नहीं मन जा रहा, केवल भगवान में जा रहा है। कितना सुंदर है ना, कभी ऐसा माना जाता, समाधिस्थ हो गए। आगे बढ़ते हैं, आज आप लोग ऐसी बातें सुनने वाले हैं जो कभी सुना नहीं है। बहुत सुंदर टीका, ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान का दर्शन करते रहे और इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हो गए। क्लियर है? तो मन भगवान में लगा है, दृष्टि एकदम भगवान फिक्स हो गया। अब ये नहीं लिखा है यहाँ पे कि दृष्टि आंख बंद किए कि नहीं, देखिए समझ लेना, नहीं ये नहीं लिखा है कि आंखें बंद की है, दृष्टि की वृत्ति बंद की है। हम यहाँ कुछ नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि आंखें बंद की हैं, ये आप कुछ नहीं कह रहे कि आंखें बंद की हैं, लेकिन जैसे लेकिन हम ऐसे मान सकते हैं कि आंख और वाणी भी आंखों से भगवान को देख रहे थे, लेकिन अब आंखें बंद भी कर ली, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। आंखें बंद करके वाणी तो बिल्कुल अब नहीं बोल रही है, शांत हो गए, मन भगवान में पूरी तरह से अभिनिविष्ट हो गया, यही हम समझ सकते हैं। और ये होता है भगवत प्रेम के द्वारा, इतना सब बातें बोल रहे हैं तो उनका मन और प्रेमाविष्ट होता चला जा रहा है, तो अब मन उनका एकदम स्थिर हो गया है। ये हम तो उसको ऐसे समझ रहे हैं, यह सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। इस विज्ञान को समझिए, अभी जो प्रभुपाद बताएंगे कि यहां बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये समाधि केवल पितामह भीष्म के लिए, जो कोई भी व्यक्ति भक्ति का अभ्यास करेगा उसके हृदय में भगवान का प्रेम क्रमशः बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा उसका मन सहज रूप से भगवान के प्रति जाएगा। यही मानव जीवन का उद्देश्य है, जिसको हम लोग कल से पढ़ाने वाले हैं 10 बजे से सनातन शिक्षा में, और किसी चीज के लिए मानव जीवन नहीं है। इससे पहले हम आगे जाएं, एक बार हमको ध्यान देना हो, हाँ पार्थ रिसीट बुक ले ही आई। इसका मतलब है कि हम लोग बिल्कुल सचेत नहीं है, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए ये क्लास में ये चीज गड़बड़ है, मत आइए लेकिन डिस्टर्ब मत कीजिए। यहाँ 2-4 भक्त भी बैठे होंगे तो हम भी सुबह भी इतने उत्साह से क्लास दे रहा था कि नहीं, लेकिन डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर चेक कर लीजिए, इससे पहले मैं क्लास आगे बढ़ूँ, सबका फोन साइलेंट में है कि नहीं, एटलीस्ट फोन लाइए, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन साइलेंट रखिए। अब देख रहे हैं, अभी मैंने फोन के बारे में बात करना शुरू किया, आपकी बात ही हट गई कि नहीं, अपराध हुआ कि नहीं, अपराध करा रहे ना, भगवान के बारे में सोच रहे हो, उधर से आपको घुमा करके आपको डांट लगाने में मेरी वृत्ति जा रही है, डांट लगाने के लिए बैठे यहाँ पे, पैसे दे रहे थे डांट लगाने के आप। क्लास अब बैठ दीजिए, क्लास बैठ करके समझ में आएगा कितना सोचना पड़ता है, डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं, हम डांटते हैं क्योंकि हम पैसे के लिए कुछ क्लास नहीं कर रहे हैं। आप खूब डांटते, डांटने के मुझे एक्सपर्ट है, मुझे अच्छा भी लगता है। क्या बात कर रहे थे, देखिए एकदम बात स्लिप कर जाती है। हम बात ये कर रहे थे कि वृत्ति जो है, अब देखिए अभी देख लीजिए क्या हुआ, जैसे ही भगवान से इतर वृत्ति जाती है मन उसके पीछे पीछे भागने लगता है। क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? और समझ रहे हैं तो आज से ये अभ्यास कीजिए कि अनावश्यक बातों की मैं अपनी वृत्तियों को ना लगाएं, अनावश्यक बात दर्शनों में, क्या दर्शन का मतलब, दृश्यों में अपनी वृत्ति को ना लगाएं, और लगाएंगे तो ये ना सोचिए कि भगवान का स्मरण होगा फिर। मेक सेंस? बहुत गंभीर चीज हम यहां सीख रहे हैं। वृत्तियां अगर उधर लगी रहेंगी, इंद्रियां लगी रहेंगी और सोचेंगे कि मन हमारा भगवान में लग जाएगा, ये मूर्खतापूर्ण विचार हो ही नहीं सकता है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं तस्मात् इंद्रियाण आदौ, पहले इंद्रियों को भगवान में लगाने का प्रयास कीजिए। इसीलिए हम पहले जब जीभ से जप करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान को आंखों से देखते हैं, जब इंद्रियां लगेंगी बारंबार तब मन लगेगा। मेक सेंस? तो इस सभी के लिए संभव है, भगवान के मृत्यु के समय भगवान के ऊपर इस प्रकार के निर्विकल्प समाधि सभी के लिए है, लेकिन हमको अभी से अभ्यास करना होगा अपनी वृत्तियों को भगवान की सेवा में लगाने का। ठीक है, इसके लिए ही बचपन से भक्ति करने के लिए बोला जाता है, ताकि कचरे वाली वृत्तियों में हम प्रवृत्त हो नहीं।
सब लोग जो साधना कर रहे हैं वो जानते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो पुराने की जो पुरानी वृत्तियों के जो कचरा है वो मन में बार बार ऊपर उठता रहता है। तो सबसे अच्छा है कि बचपन से व्यक्ति भक्ति ही करता रहे और अपनी वृत्तियों को इधर कचरे में जाने ही नहीं दे, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। समझ रहे ना, इंद्रिय तृप्ति इत्यादि के लिए। भगवान की भक्ति में 9 सेवा सिद्धांत होते हैं, अर्थात बहुत ध्यान से सुनिए, इन 9 प्रकारों से आप भगवान की सेवा कर रहे हो। सेवा का अर्थ हम हमेशा सोचते हैं कि भोग लगाना और माला बनाना, वह तो है ही, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस समय भी आप सेवा कर रहे हैं। 9 प्रकार से भगवान की सेवा होती है। Does it make sense? पहला क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण कमल की सेवा, विग्रह की सेवा, पूजा, स्तुति। जैसे अभी हम लोग स्तुति पाठ कर रहे थे ना, एति मति कर, या फिर भीष्मदेव अभी कर रहे थे स्तुति भगवान की। आज्ञा पालन अर्थात दास्यम, सख्यम तथा आत्मसमर्पण। अब इसको मैंने आगे हाईलाइट किया है और ये बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों को श्रवण करना है। इनमें से कोई एक, यानी 9 भक्तियों में से कोई एक या सभी वांछित फल देने वाले हैं। वांछित फल क्या है? भगवान का प्रेम। लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में ही इसका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। 2 चीजें आप देख रहे हैं, एक भक्त का अनुगत्य होना चाहिए। देखिए, अगर भोग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसे प्रेम नहीं मिलेगा। ये भी आप सनातन शिक्षा में स्पष्ट देखेंगे कि भक्ति का उद्देश्य भोग के लिए नहीं होता है, मोक्ष के लिए भी नहीं है। भक्ति का उद्देश्य भगवत प्रीति प्राप्त करने के लिए है। और आप लोग को बात बड़ी आसान लगती है समझने के लिए, बाहर की दुनिया के लोग समझाइए, एक व्यक्ति मिल जाए जो इस लालसा से युक्त है कि मेरे हृदय में प्रेम हो, बहुत कठिन है। एक व्यक्ति भी, और भक्त समूह को भी अगर आप देखें तो उनमें से भी कितने लोग इस लालसा से युक्त होकर भजन कर रहे हैं कि मुझे भगवत प्रीति प्राप्त हो, वह भी बहुत कम होगा। एक ऑब्जर्वेशन आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर उसका भजन भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं है, ये मैंने नहीं कहा, लेकिन श्रवण के अभाव में व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि भक्ति कर क्यों रहा है। वो उसको वो बोलेंगे आपके, हाँ हम प्रेम के लिए करना चाहिए, कोई अवेयरनेस, कोई लालसा से युक्त होकर नहीं कर रहा है। इसके लिए प्रभुपाद जी को बोलेंगे, अभी देखिएगा किस लिए भक्ति। और उसके बाद ये भी नहीं कि एक दिन दो दिन, निरंतर लगातार, अनुदिनम आदराद, लगातार अभ्यास करना है। इसलिए यहाँ रोज भागवत होती है, नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत हो रही, ताकि भगवत प्रेम जब तक ना मिल जाए, जब तक आलयम, जब तक भागवत सुनते सुनते बेहोश ना हो जाओ, तब तक भागवत सुननी है। अरे तो बेहोश हो जाएंगे तो कैसे सुनेंगे, फिर जब होश आएगा फिर सुनना उसका, फिर बेहोश हो जाए। जब तक इस प्रकार का प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, भागवत श्रवण करते रहना है, जप करते रहना। समझ रहे हैं क्या कहते हैं उसको, चैन से नहीं बैठना है, ये शब्द कहना चाहता था, चैन से नहीं बैठना जब तक भगवत प्रीति प्राप्त ना हो जाए। अब देखिए, इनमें से प्रथम चरण श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्म देव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए दैनिक जागरण और कौन सा आज तक का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। ये लिखा है प्रभुपाद ने, भगवद गीता का और फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना आवश्यक है। और सेवाएं हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, लेकिन यह सेवा अगर छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती उठा रहे हैं। और इस सेवा को जितना हो सके यथासंभव एकाग्रता से करना चाहिए। एकाग्रता मतलब समझ रहे हैं, बुरा मत मानने का, आपके गुरु महाराज के ही वाक्य में बोल रहा हूं। महाराज देखो, अपराध लगे तो महाराज पे लगेगा, हम पर नहीं लगेगा, महाराज की बात बोल रहे हैं। कह रहा है कि स्त्रियों को ब्रह्मा जी ने बुद्धि वैसे ही कम दी है, प्रभु जी आपकी क्लास में नहीं आए बताओ ऐसे ही बुद्धि कम दी और उसके बाद ही फूल माला चालू कर दी है कथा के समय, तो और क्या समझ में आए जरा बताइए। ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए था लेकिन इस पे कोई केस ना कर दे, लेकिन है ना, कथा के समय ही माला सारी बनानी है महाराज। ऐसे मैं गलत तो नहीं बोल रहा, सबने सुने होंगे प्रवचन,
एकदम भागवतम के समय और कोई कार्य नहीं करना चाहिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाता है। उसमें भी दो तीन चार कार्य करेंगे तो दिक्कत होगा। हमारे मंदिर में देखा है लोग स्वेटर बुनना चालू करते हैं, मतलब भगवान तुम्हारे स्वेटर के बिना मर रहे हैं भगवान को ठंड लग रही है आपके स्वेटर के बिना देखा है आपने, उसी में सारा स्वेटर बनाना है। अरे भाई पूरा दिन पड़ा है ये भगवान कथा की एक एक्चुअली। अब देखिए भाई मैं मान रहा हूँ कि इस समय हो सकता हो कुछ माताओं को खाना बनाना पड़ता होगा, कुछ करना होगा, वो अब घर की मजबूरी तो मुझे कुछ नहीं बोले जूम पे, लेकिन वस्तुतः एक जगह बैठकर बढ़िया से भागवत सुना जाए तो समझ में आता है। तो जो भी अपराध है वो हमारे ऊपर नहीं है, हमने परंपरा में ऊपर पास कर दिया, महाराज जो सुना वो बोल रहे हैं। क्या बच्चे की क्लास भी जो होती है ऑनलाइन वो सब ऐसे पढ़ते हैं, कुछ काम करते हुए, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, कितनी एकाग्रता से पढ़ते, तब जाके दिमाग में घुसती है बात। मैं सब बात क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग माला बना रहे, मान लो कि माता जी माला बना रही, तो क्यों मानते हैं कि ये भगवान की सेवा है? क्योंकि सुने हैं कि विग्रह भगवान से अलग नहीं है, कि नहीं तो सोचेंगे मैं क्यों कर रही हूं, है कि नहीं? प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि यदि हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करते तो श्री विग्रह गल गृह लग जाएगा, कि मेरा भजन फालतू का भजन डाल दिया, हम क्यों फालतू में सेवा कर रहे हैं। और बारंबार हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से पढ़ते जाएंगे, आपको दिखाऊंगा। प्रभुपाद कहते हैं भागवत के श्रवण के द्वारा व्यक्ति को यह अनुभूत करना है कि भगवान अपने विग्रह से अभिन्न है, ये भागवत के द्वारा होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल अभी हम याद नहीं आ रहा कौन से तात्पर्य है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो भागवत सुन के ही आप देखिए एक प्रेरणा मिलती, नहीं भगवान है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं भगवान का दास हूं। तो श्रवण का अभाव रहेगा तो भक्ति ठीक से नहीं होगी। और जब भी मैं किसी व्यक्ति को अजीब तरह से बर्ताव करते हुए देखता हूं, भक्तों की बात कर रहा हूं, तो पहली चीज ये देखी जाती है तो श्रवण ठीक से कर रहा है कि नहीं। अगर वो श्रीमद् भागवत भगवद गीता का श्रवण कर रहा है तो उसकी दृष्टि ही बिल्कुल अलग रहेगी, हर हर परिस्थिति में हर जगह। ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान अंदर से बारंबार आपको श्लोक दिखाएंगे, देखो भागवत तुमने ये सुना था, तुम कैसे बर्ताव कर रहे हो। और जो श्रवण नहीं करता ठीक से उसकी दृष्टि बिल्कुल अलग रहती। मैं इससे पहले आगे जाऊं, महाराज इसी आसन से बोल रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कि देखिए शास्त्र श्रवण का फायदा ये है, एक फायदा तो भगवान प्रसन्न होते तो है ही कि जीवन में सुख दुख सब कुछ आएगा लेकिन आपका धैर्य नहीं छूटेगा, आपकी दृष्टि अलग रहेगी, आपकी दृष्टि शास्त्र की दृष्टि होगी, परेशानी किसके जीवन में नहीं आती। ये मैं अब अनुभूत कर रहा हूं, नियमित रूप से शास्त्र को पढ़ने करने श्रवण करने कीर्तन करने से एकदम दृष्टि अलग रहती, मन कभी परेशान भी होता है कुछ चीजों से फिर भी स्थिर हो जाता। तो जो भक्त लोग इस प्रकार से कर रहे हैं बहुत अच्छा। इससे पहले हम आगे जाएं, हम ये अवसर पाके बोल भी दे रहे हैं कि देखिए सूर्य अस्त होने के बाद खाना खाना हमारे शरीर के लिए जहर के समान, तो अपना शिव ऐसे बिठा लीजिए कि 5 बजे यानी कि 6 बजे के पहले भोजन कर लें, जो कि जैसे गांव में होता था, तो आप 6:30 बजे फ्री हैं कथा सुनने के लिए, और सब कुछ हो सकता है यदि हम करना चाहें, और ना करना चाहें तो जिंदगी में हम कुछ भी नहीं कर सकते, है कि नहीं। 9 बजे 2 वक्त की रोटी की बात होती, 9 बजे 5 बजे खा लीजिए, शाम को आप कथा के लिए फ्री हैं। एक भक्त यहाँ पे मेरे सामने ही दिख रहे हैं जूम पे, वो बात मान गए, वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उसका। एक भक्त मैं जब कर रहा था क्लास का, बोले प्रभु जी आप डिनर नहीं करते, आपको भूख नहीं लगती? हमने कह रहे भाई 5 बजे खा के आ गए, कि जीवन केवल खाने के लिए बना हुआ है। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि श्रवण को अगर हमने ढीला रखा तो क्षमा कीजिएगा लेकिन जिंदगी भर भक्ति नहीं कर पाएंगे, और हम एक नहीं कितने भक्तों को इस प्रकार से देख रहे हैं। और उधर देख रहे हैं जो नियमित श्रवण कर रहे हैं उनका भक्ति का उत्साह बढ़ता जा रहा है, और जो नहीं कर रहे हैं वो भक्ति कर भी रहे, मान लो जब कर भी रहे तो केवल खानापूर्ति के लिए, खानापूर्ति समझ रहे हैं मतलब पूरा करने के लिए, कुछ उत्साह होना चाहिए भक्ति करने का वो नहीं है। तो ये चीज है इस प्रकार से। हमें भी मृत्यु के समय भीष्म देव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती ही है, भले ही साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित ना भी हो। ऐसा नहीं है कि भगवान सामने होंगे तभी भगवान के पास जा पाओगे, बारंबार श्रवण करते रहेंगे तो पार हो जाएंगे। महाराज जी संबंध में बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे थे कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण ये सबसे ज्यादा कल्याणकारी है जीव का, जीवात्मा के लिए सबसे अधिक कल्याण। इससे श्रेष्ठ वस्तु श्रवण की है ही नहीं, अकेले छोटे सारम एकम, सारे वेदों का सार यही है। तो ये हमारा भाग्य कि हमें श्रवण करने को मिल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत के भगवान के शब्द उनसे अभिन्न है,
एक व्यक्ति परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को बोले कि महाराज गुरु तो वो होना चाहिए जो भगवान का दर्शन कर रहा है। तो महाराज बड़ी नम्रता में बोले कि वो हमको भगवान का दर्शन तो नहीं है लेकिन भागवत का दर्शन है। और देखिए वो व्यक्ति जो इस प्रकार का आक्षेप कर रहा था वो ये भागवत में और भगवान में अंतर देख रहा है। जो हम अभी इस समय आंखों को अपनी आंखों की वृत्ति से भगवान के शब्द प्रभुपाद जी जो लिखे हैं भगवान के शब्द हैं अभिन्न है और स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि भगवत गीता मेरा ही स्वरूप है, श्रीमद् भागवतम तो भगवान है ही, भगवान का वांग में अवतार है। तो इस प्रकार से हम साक्षात भगवान को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। वे भगवान के शब्द अवतार हैं और कोई भी मनुष्य आठ वसुओं में से एक श्री भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। यदि भगवान भले ही ना हो ऐसे साक्षात रूप में लेकिन नाम के रूप में कथा के रूप में अगर व्यक्ति के सामने है तो वह निश्चित उसकी सदगति होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। आठ वसु में से एक वसु थे ना ये विष्णुदेव, कहता सुन चुके हैं ना, एक ही व्यक्ति को शाप मिला था, क्या नाम था उनका, आठ को मिला था, इसका नाम क्या था, द्यू नाम के वसु थे। तो उनका इनको इनकी लीडरशिप में सारा कार्य हुआ था इसलिए इनको अधिक समय तक पृथ्वी लोक पे रहना पड़ेगा, ये कथा सुना चुके हैं। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है लेकिन जो व्यक्ति भीष्मदेव की तरह मरता है वह पूर्णता प्राप्त करता है और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। ये प्रभुपाद इतना सुंदर तात्पर्य लिखे है ना, एकदम आपके हृदय में से ना भक्ति करने की अग्नि को मतलब प्रज्वलित कर दे। कितने आश्चर्य की बात है कि जगत में हम बहुत सेफ्टी की आशा रखते हैं, है ना, कि हम सेफ हो जाएं, जबकि हमारी सांसें एकदम फिक्स्ड हैं। थोड़ा सोचिए मैं क्या कह रहा हूं, कितनी सांसें हमने लेनी है फिक्स्ड हैं। अच्छा तो पर जी मैं धीरे धीरे सांस लूंगा, फिर भी फिक्स्ड हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कब तक बच्चे हो गए, मरना तो है कि नहीं, बहुत गंभीर बात है, फिक्स्ड है कि कब मरना है। परम पूज्य क्या नाम महाराज का, असित कृष्ण महाराज बोल रहे थे कि असित कृष्ण नहीं सॉरी इधर अनंत कृष्ण महाराज बड़ा विनोद में बोल रहे थे कि इंसान के और कोई गुण हो या ना हो एक बात निश्चित है कि वो मरेगा जरूर, है कि नहीं। हम सभी में सारे गुण तो है नहीं लेकिन एक गुण हम सभी में है कि हम सब मरेंगे और उसके बाद क्या होगा इसकी चिंता जैसे पशु नहीं करता ऐसे यहां के इंसान भी नहीं करते। क्या ये देखने का सामर्थ्य आप लोग है, दिख रहा है, जैसे पशु बिल्कुल नहीं सोचता है कि मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा, इसी प्रकार से आजकल एकदम जो सभ्यता मानव सभ्यता इसी लेवल पे आ गई है, एकदम पशु के लेवल पर बिल्कुल नहीं सोच रहे कि वो क्या कर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको क्या गति प्राप्त होगी। इसीलिए प्रचार सबसे इंपॉर्टेंट है। वक्तुम समर्थ हो बिना वक्त कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्य, भगवान का नाम मुख से बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन और मुक्त हो सकते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे। ठीक है ऐतो कथा आमी बोलते ना पारी, बुढ़िया मर रही थी और बाप बेटे ने बोला हरे कृष्णा बोलो, ऐतो कथा हमें बोलते ना पा रही, मैं ये शब्द नहीं कह सकती, छह शब्द निकल गए हरे कृष्णा नहीं निकला। तो ये अश्रद्धा का ही सूचक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक भक्त बहुत सुंदर कह रहे थे कि यद्यपि मैं पशु की तरह पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन बाध्य नहीं हूं कि पशु की तरह ही मरूं। रियली हर व्यक्ति को एक प्रकार से एक मतलब पता नहीं आप लोगों को जोश आ रहा है, जोश तो आना ही चाहिए कि भाई हम पशु की तरह जरूर जन्म लिए, हमको पता नहीं था जीवन का लक्ष्य क्या है, जो कुछ भी, अब हम पशु की तरह ना तो जिएंगे और ना हम उस तरह से मरेंगे, अपने जीवन को हम भगवान की समर्पित करेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, मन वाणी दृष्टि वृत्ति को भगवान में लगाएंगे तो उसी तरह हम भगवान के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो पशु की तरह नहीं मरना हमको, मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से भीष्मदेव जैसी मृत्यु के लिए है, इसीलिए भीष्मदेव का प्रयाण यहाँ पे वर्णन किया गया कि जैसे भीष्मदेव अपने मन को भगवान में लगा करके भगवान को प्राप्त की, ऐसे हमको सबको लगाना है और ये याद रखना चाहिए इस गोल को। ठीक है, अब क्या हुआ उसको मेरे पीछे बोलिए।
संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बुभूस्ते तूष्णीं वयांसीवा दिनात्यये संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बुभूस्ते तुष्णे वयांसीवा दिनात्यये संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीवा दिनात्यये। ये अब अपनी बुद्धि को कृपया सब लोग समेट लीजिए, क्योंकि अब ये श्लोक इतना सुंदर है, देखने बहुत इजी है, लेकिन पूर्ण बुद्धि लगाएंगे, ताकत लगाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या है। बहुत ही अद्भुत है, उसको देखने का समझने का प्रयास कीजिएगा। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। संपद्यमानम आज्ञाय भीष्म ब्रह्मणि निष्कले भीष्म ब्रह्म अर्थात परब्रह्म में, भगवान में निष्कले लीन हो गए। निष्कले मतलब अनंत, क्षमा कीजिएगा, निष्कले मतलब होता है अनंत, कहाँ गया, हाँ, निष्कले मतलब अनंत परब्रह्म में, भगवान में संपद्यमानम आज्ञाय, यह जानते हुए कि भीष्मदेव लीन हो गए परब्रह्म में, सर्वे मतलब जहां भी जो भी उपस्थित ऋषि थे, सर्वे सभी बभुवु हो गए ते तूष्णीम, तूष्णीम मतलब शांत हो गए, सारे ऋषि मुनि वहां पर जो थे ये समझ गए कि अब ब्रह्म भीष्मदेव भगवान में लीन हो गए हैं। तो मैं जानबूझ करके ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, भगवान में लीन हो गए हैं, अब वो है, सब लोग चुप हो गए। कैसे चुप हो गए? वयांसी इव दिनात्यय, दिनात्य मतलब दिन के अंत में जिस प्रकार वयांसी अर्थात पक्षीगण चुप हो जाते हैं, यह समझते हुए कि दिन समाप्त हो गया है। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार से पक्षी सोचते हैं कि दिन समाप्त हो गया है, दृष्टांत बहुत गंभीर दे रहे हैं, जिस प्रकार से पक्षी सोचते हैं कि अब दिन समाप्त हो गया है इसलिए चुप हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, उसी प्रकार से यह समझते हुए कि भीष्म अब भगवान में लीन हो गए हैं इस कारण से चुप हो गए। मैं जानबूझकर ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा हूं, जो लोग थोड़ा समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं, ये अभी क्लियर हो जाएगा, घबराई मत, सबको क्लियर करेंगे। पहले इसको देखिए, अनब देखिए, निष्कले अर्थात असीम अनंत ब्रह्मणि अर्थात परब्रह्म में संपद्यमानम लीन हुए भीष्मम आज्ञाया, भीष्म जी को जानकर ते सर्वे वे सभी दिनात्य व्यांसी इव दिन के अंत में पक्षियों के समान तूष्णीम बभुवुहु मौन हो गए। देखिए एक अर्थ जो मैं आपको जो यथाश्रुत अर्थ है वो क्या लग रहा है कि यह समझ करके कि भगवान परब्रह्म निराकार ब्रह्म में भीष्म लीन हो गए, सब लोग चुप हो गए, यही अर्थ सुनाई पड़ रहा है ना, लेकिन ऐसा अर्थ गलत अर्थ है, समझ पा रहे हैं, ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी भीष्म देव ने ये प्रार्थना नहीं करी कि मैं निर्विशेष ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाऊं। तो अब आप लोग सारार्थ दर्शन को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए तो समझ में आएगा कि ब्रह्म का मतलब है परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, निष्कले तो खैर कोई दिक्कत है नहीं, भगवान कृष्ण तो पर अनंत है ही, और संपद्यमानम अर्थात वह उनकी लीला में प्रवेश कर गए। यह अर्थ नहीं कि अपने अस्तित्व को नष्ट कर दिया, क्योंकि अस्तित्व का नष्ट होना आत्मा के लिए असंभव है, क्लियर। अब चक्रवर्ती पाद की टीका को देखिए, इस प्रकार भीष्मदेव ने स्वाभिलषित पार्थ सारथी के रूप में कृष्ण को प्राप्त किया। क्या अर्थ है?
जिसकी अभिलाषा, जिस पार्थ सारथी स्वरूप को प्राप्त करने की अभिलाषा, अर्थात जिस पार्थ सारथी स्वरूप की लीला में प्रवेश करके नित्य पार्षद बनने की इच्छा विष्णुदेव कर रहे थे, उसको, उस स्थिति को उन्हें प्राप्त कर लिया। क्लियर। लेकिन सामान्य लोग यह नहीं जानते थे और उन्होंने यह सोचा कि भीष्म निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो गए हैं, यह इस श्लोक में व्यक्त किया गया। यह दोबारा छोड़ दीजिएगा। संपद्यमानाम, क्या श्लोक था, संपद्यमानाम आज्ञाया भीष्मम ब्रह्मण निष्कल। ये किनके लिए व्यक्त कर रहे हैं? जो सामान्य लोग थे, जो भगवान की लीला के बारे में, भगवान के नित्य पार्षदत्व के बारे में नहीं जान रहे थे, तो वो ये सोच रहे थे कि यह तो ब्रह्मलीन हो गए। कुछ नहीं समझ रहे हैं इस बात को। तो यह श्लोक सूत गोस्वामी इस आशय से बोल रहे हैं कि जो अज्ञ जन थे वो ऐसा सोच रहे थे कि भीष्मदेव ब्रह्म में लीन हो गए, वास्तविक रूप से वे ब्रह्म में लीन नहीं थे, वह तो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। क्लियर समझ में आया। लोक के अज्ञान को एक दृष्टांत से कह रहे हैं, कैसे लोग इस जमन में नहीं जानते हैं उसको बता रहे हैं। जिस प्रकार, बहुत ही ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार पक्षी गण दिन की समाप्ति होने पर दिन को नहीं देख पाते हैं और इस कारण से दिन का स्वरूप ध्वंस हो गया है यह जानकर निःशब्द हो जाते हैं, अर्थात कोई शब्द नहीं करते, यह अर्थ है। दृष्टांत समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना होगा। एक चीज दिन को नहीं देख पा रहे हैं, भीष्म देव को नहीं देख पा रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं दोनों तरफ, दिन का स्वरूप ध्वंस हो गया है, भीष्म का स्वरूप समाप्त हो गया है। अब समझ में आ रहा है कुछ? तो जिस प्रकार से पक्षीगण अज्ञ रहते हैं कि नहीं, दिन तो फिर कहीं है, समझ में आ रहा है, बहुत गंभीर टीका है ये, दिन तो अभी भी कहीं, अभी समय दिन नहीं है, बताइए कहीं दिन है, लेकिन पक्षी गणों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो चुप हो जाते हैं, यह ज्ञान है। लेकिन ये क्या सोच रहे हैं? इसी प्रकार से सोच रहे हैं कि भीष्मदेव तो समाप्त, खत्म, उनके अस्तित्व तो खत्म है, तो भगवान में लीन हो गए, लेकिन भीष्मदेव अभी भगवान की लीला में है, जो लीला नित्य लीला चल रही है। इसीलिए मैं सभी को सपरिवार आमंत्रित कर रहा हूं सनातन शिक्षा सुनने के लिए, बहुत सुंदर उसमें बताया स्पष्ट उस प्रकार से बातों को। किंतु वस्तुतः दिन का नाश नहीं होता है, अपितु उस क्षण भी किसी अन्य देश में दिन की स्थिति रहती है और 12 घंटों के पश्चात उसी स्थान में दिन पुनः प्रकट हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्या इस समय भगवान श्री कृष्ण की लीला नहीं चल रही है? बिल्कुल चल रही साहब। तो जब भीष्मदेव जी ने शरीर त्यागा तो क्या गति प्राप्त हुई? तुरंत ही उस नित्य लीला में प्रवेश कर गए और वह नित्य लीला, यहां क्या देखिए शब्द है, 12 घंटे के पश्चात। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे जोड़ दीजिए तो ब्रह्मा जी के दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण की लीला, नित्य लीला, जो भौम लीला जो है, नित्य लीला चल रही है, वह भी एक ब्रह्मांड में होती है। बैलेंस कर रहे हैं कुछ? ये बहुत सुंदर टीका थी, मैं पढ़कर एकदम प्रसन्न हो गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जैसे इस समय भी दिन कहीं व्याप्त है, प्रकट है कि नहीं किसी अन्य देश में, उसी प्रकार से भगवान की लीला किसी और ब्रह्मांड में चल रही है और जहां उसे वो लीला समाप्त होती है तो फिर दूसरे ब्रह्मांड में चालू हो जाती। तो भीष्मदेव लीन नहीं हुए, अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं किया, अपितु वह भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। लेकिन अज्ञ लोग उसको इसी प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं जैसे कि पक्षी सोचता है कि दिन तो समाप्त हो गया। ठीक। विश्वस्यनाथ रूपोऽसौ भक्ति वर्त प्रदर्शन अद्भुत टीका चक्रवर्ती बात देखिए, विशेष रसिक टीका, रसमय टीका से करना चाहिए। मुझे लगता है सभी भक्तों को प्रसन्नता हो रही होगी इसको श्रवण करके और समझ करके। और ये देखिए केवल टीका मात्र नहीं है, ये वास्तविकता है जिसका वर्णन श्रील विश्वनाथ चतुर्थी बात कर रहे हैं। श्रद्धा से हमको स्वीकार करना होगा ये बात, ध्यान रखिएगा। वो केवल पांडित्य का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं,
भगवान की जो लीलाओं की दिव्यता है उसको समझ रहे हैं और उसको हमारे सामने प्रकाशित करना है, इनका इमेजिनेशन नहीं है। इस प्रकार, और हाँ ये बात है कि इस ब्रह्मांड में भी भगवान की लीला फिर से प्रकट होगी 12 घंटे के बाद ब्रह्मा जी की। इस प्रकार अग्रगण यह सोचते हैं कि जब भीष्म देव का अंत हो गया तब भीष्म देव मुक्त हो गए, अर्थात सायुज मुक्ति को प्राप्त हो, मुक्त तो हो गए, भगवान की लीला में चले गए, लेकिन कुछ लोग जो मूर्ख हैं वो सोचेंगे उनको सायुज प्राप्त हो गया। किंतु विज्ञजन जो परंपरा में भगवान के ज्ञान को प्राप्त किए हैं यह जानते हैं कि उसी क्षण एक अदृश्य रूप में भीष्म कृष्ण के साथ रथ का पहिया पकड़े हुए युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अन्य जगह कहीं महाभारत का युद्ध चल रहा है और भीष्मदेव उस लीला में प्रवेश कर गए। कभी दिमाग में हमारे घुस जाए तो हम लोग कितना सुंदर तरह से अपना जीवन यापन करें कि हमें बस भगवान की लीला में प्रवेश करना है। शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीष्म, बारम्बार निरंतर रोज भगवान के बारे में सुनना है, गाना है, बोलना है, स्मरण करना, आनंद लेना है। और लीला तो चली रही है, लीला बंद नहीं हो रही है। देखिए इसीलिए कुछ लोगों को अश्रद्धा हो सकती है, अरे चैतन्य चरितामृत के हर अध्याय में लिखा हो, ये जो जिसको पढ़ेगा सुनेगा प्रेम हो जाएगा, महाप्रभु के चरणों को देखेगा, तो चरण कभी समाप्त नहीं हुए, तो सूर्य के समय हमेशा अवस्थित है। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए, शीशा है, शीशे में हमारे रूप को प्रतिफलित करने की क्षमता है, लेकिन केवल कचरा हटाना है। सूर्य है लेकिन अगर आंखों में कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद है तो केवल मोतियाबिंद हटाना है। सूर्य तो पहले से विद्यमान है। डज इट मेक सेंस? ये बहुत उत्साहवर्धक है। ऐसा नहीं कि कृष्ण मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कृष्ण तो हैं, केवल हम अंधे हैं, अंधे नहीं कहना चाहिए, मतलब मोतियाबिंद से ग्रसित हैं। भगवान का नाम उच्चारण करते रहेंगे, भागवत श्रवण करते रहेंगे, तो हर भागवत श्रवण के संग, हर नाम जप के संग, हर नाम के द्वारा हम कृष्ण की ओर उन्मुख होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और जब पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान की स्फूर्ति होने लग जाएगी। कुछ पूछ रहे थे आप? देखिए इनका प्रश्न है कि क्या भीष्म पितामह लीला में प्रवेश कर गए तो क्या इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता? वो तो नित्य पार्षद है ही, मल्टीपल जगह वो प्रेजेंट रहते हैं, कि आपको दिक्कत? कितनी बार बोल चुके हैं कि एक साथ, कितने पिछली बार सुना चुका हूं क्लास में, फिर वही प्रश्न होता है। और कृष्ण के भविष्य में अवतरित होने पर भीष्म भी उनके साथ आविर्भूत होंगे, ये समझ में आया? नहीं समझ पा रहे हैं, पक्षीगण की दिन समाप्त नहीं हुआ है, कहीं और जगह चालू है, तो उसी तरह ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भीष्मदेव अब फिर युद्ध कर रहे हैं कहीं। और जिस प्रकार से वापस दिन आएगा 12 घंटे के बाद, उसी प्रकार से ब्रह्मांड में दोबारा भगवान की लीला होती है, तो उनके पार्षद फिर हम बारम्बार बारम्बार आते हैं। कभी आप नहीं सोचते कि ऐसी ऐसी कंपनी में आपको कुछ सेवा चाहिए? कभी नहीं सोचते आप? यहाँ भी देखो जितने भी हम संबंध बनाते हैं, मरने के बाद सब भूल जाते हैं। अब पिछले जन्म की मेरी पत्नी कितनी प्यारी थी, और काफी संभावना है कि वो जिंदा भी हो, बूढ़ी हो गई हो, लेकिन जिंदा हो कि नहीं, संभावना है कि नहीं? एकदम मरने वाली है बेचारी, और बच्चे तो पक्का जिंदा होंगे, 100% जिंदा होंगे। वो कितना दुख हुआ था मुझे अपने पिछले जन्म में, कितनी प्यारी पत्नी थी, प्रेम से सेवा कर रही थी, वैसे नहीं की होगी, दुख दुख दिया हुआ, तभी मैं जन्म में ब्रह्मचारी रहा, इच्छा नहीं हुई। Who knows what happens? मैं खाली बोल रहा हूँ, इतनी चिंता होती लोगों को, हमारा लड़का शादी नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, और पिछले जन्म के बारे में कितना याद है हमको। लेकिन एक बार कृष्ण से संबंध हो जाए वो कभी नहीं टूटने वाला। संबंध हो जाए मतलब संबंध की जागृति हो जाए, संबंध तो हमेशा सही है, पता नहीं लोग इसमें क्यों नहीं समझते, जगत के संबंधों में इन्वेस्ट करते रहते हैं, होप करते रहते हैं, उसकी तो सेटिंग नहीं हुई, मतलब उसके घर में तो ठीक नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं, होप है, आशा है कि हमारे संग अच्छा हो जाएगा। अरे हम किसी का मजाक नहीं बना रहे, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहते, लेकिन
कोई दुख नहीं, इसको सुख नहीं प्राप्त कर रहा है, केवल दुख प्राप्त कर रहा है, टेंशन पे टेंशन, फिर भी सोच रहे हैं हमारे संग ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोग पानी में कूद रहे हैं, भीग रहे हैं, मैं कूदूंगा तो भीगूंगा नहीं। मरने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ कि इस जगत में हम भौतिक संबंध में फैलते हैं, फैलाते हैं, और सबको दुख प्राप्त हो रहा है, हमको भी प्राप्त हो रहा है, और अचली मान लीजिए सुख भी प्राप्त हो रहा है, फिर भी वो कटेगा ना संबंध, समय के द्वारा कट जाएगा कि नहीं। और मरने की बात छोड़िए, इस जगत में भी हम देखते हैं कि कोई कोई बहनें एक दूसरे से 10-10, 20-20 साल तक नहीं मिल पाती, बिल्कुल भूल जाती हैं, भाई भाई भी नहीं मिल पाता है कि नहीं, और मिलता है तो अगर कभी मिलता भी है तो भी कोर्ट में है ना। तो ये सब स्थिति है, और भगवान इतने प्यारे हैं, क्यों नहीं उनकी सेवा की जाए बताइए। आज ही मैं सोच रहा था कि भगवान ने मेरे जीवन में क्या दुख दिया है, कुछ भी नहीं दिया। भले कुछ लोग सोच रहे हैं, सोचते हों कि हमने अपना जीवन समर्पित किया, हमने कुछ भी तो नहीं किया, हम तो आनंद मतलब पैम्पर्ड चाइल्ड, आई वुड यूज द वर्ड, कितने भगवान प्रेम से रख रहे हैं, क्या दुख है बताइए। खाना बनाने का भी कोई दुख नहीं है, केवल खाना सुख, कुछ भी कोई टेंशन नहीं, नाम जप करो, भक्ति करो, बस। एनीवेज, और अन्यथा जो गृहस्थी या किसी में भी हैं, देखेंगे अपने जीवन में कि अगर हम भगवान का जप अच्छे से करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो व्यर्थ के दुखों से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। मतलब जिनको हम दुख मान रहे थे, चिंता मान रहे थे, उससे अपने आप मुक्त हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा, वो अनुभव करेगा, स्पेशली श्रवण कीर्तन करेगा, देखेगा कि हम फालतू की चिंता को चिंता मान के बैठे हुए, गलत तो नहीं कह रहे ना। अगर हम कोई स्टैटिस्टिक्स तो नहीं देते, 99% चीजें तो हमारे चिंता के उपयोग ही, और उसको कोई प्रयोजन ही नहीं देता, चिंता ही फालतू करते रहते हैं। जो मुख्य चिंता का विषय है या विशेष महत्व है कि भगवान की भक्ति में प्रगति कैसे करे, उधर कोई चिंता नहीं, व्यर्थ की चिंता में व्यक्ति लगा रहता है। नहीं बेस, हम खाली इस बात बोल रहे थे कि भगवान का संबंध एक बार जागृत हो जाए, भगवान की ड्रामा पार्टी में पहुंच जाए आप, तो भगवान कभी आपको नहीं निकालने वाले, कन्फर्म टिकट है। ठीक है, अब आप ब्रह्मणी निष्कले का दूसरा अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। निष्कले शब्द दिख रहा है आपको, अथवा निष्क, निशक का अर्थ होता है कंठ में धारण किया जाने वाला स्वर्ण आभूषण। तो ब्रह्मणी निष्कले का अर्थ होगा कि कंठ में स्वर्ण आभूषण धारण करने वाले ब्रह्मणी अर्थात भगवान श्री कृष्ण को भीष्म देव ने प्राप्त किया। अद्भुत है, अद्भुत, मैं सुना तो एकदम प्रसन्न हो गया। निश्चिक मतलब होता है ऐसे कोई हार पहना हुआ, तो कृष्ण सुंदर सुंदर आभूषण पहनते हैं, ब्रह्मणी मतलब भगवान परब्रह्म भगवान कृष्ण, तो ऐसे भगवान परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जो गले में सुंदर सोने का आभूषण प्राप्त करते, वही अर्थ हुआ कि उनके नित्य पार्षद बन गए। किंतु यह व्याख्या नहीं करनी चाहिए कि भीष्म देव को ब्रह्म सायुज प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान के नित्य पार्षद भीष्म के द्वारा फलाभिसंधि रहित रति की इच्छा की गई थी, और स्पेलिंग मिस्टेक है, और वह मोक्ष की कामना नहीं कर रहे थे। ये समझ में आया? आप ये नहीं कह सकते कि संबद्धमानम आज्ञाया भीष्मम ब्रह्मणि निष्कले, इसका अर्थ यह है कि वह निर्विशेष ब्रह्म में जाकर के लीन होगा, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसी प्रार्थना आप पूरा पढ़ चुके हैं 11 स्तुति, इसमें एक जगह भी ऐसी प्रार्थना नहीं किए कि मैं निर्विशेष ब्रह्म में जाकर लीन हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं किए। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का पनिशमेंट भगवान भक्त को जबरदस्ती दे देंगे। अगर हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और आपको स्वर्ग नहीं चाहिए, तो जबरदस्ती स्वर्ग नहीं भेज देंगे भगवान। डज इट मेक सेंस? भगवान का एक शब्द है, स्वर्गापवर्ग मद धामा कथंचित यदि वांछति, स्वर्ग हो, मुक्ति हो, या मेरा धाम हो, यदि मेरा भक्त चाहता है तो बड़ी आसानी से प्राप्त करता है। मद भक्ति लभते अंजसा, मेरी भक्ति के द्वारा आसानी से प्राप्त कर लेता है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, 18वें अध्याय के 5 श्लोकों को, किसी भी 5 श्लोकों को पढ़ने से व्यक्ति बड़ी आसानी से इंद्र बन सकता है। जो लोग भी इस इच्छा से युक्त हैं, उसके लिए पोस्ट खाली ना हो, पोस्ट खाली ना हो तो पोस्ट खाली करवा के बना दिया जाएगा। आप 18वां अध्याय की महिमा सुनेंगे तो इंद्र बैठे हुए थे राजासन पे, व्यक्ति को लेके आया गया, इंद्र को सिंहासन से उतारा गया और फिर बिठा दिया गया, और इंद्र अपना सर खुजा रहे थे, क्या किया इसने, कोई यज्ञ नहीं किया, कुछ नहीं किया।
तो उसने बोला कि ये भगवत गीता के 5 अध्यायों को पढ़ते थे। और ध्यान दीजिएगा कि वह जब तक चाहा तब तक इंद्र बना, उसके बाद भगवान के पास चला गया। मतलब भोग इच्छा से भी कोई भक्ति कर रहा, अंत तो तब भगवान की प्राप्ति करेगा, लेकिन ये कोई मतलब टाइम अधिक लगेगा, बस ये बात है। ये गीता सुनेंगे तो समझ में आएगा स्पष्ट रूप से। 6 अध्याय भी बातें एकदम क्लियर हो, छठे में ही क्लियर होगी ये बात। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि यदि हमको भोग नहीं चाहिए तो भगवान जबरदस्ती भोग नहीं देंगे। यदि हमको सायुज मोक्ष नहीं चाहिए, जो कि प्राप्त हो सकता है भक्ति करने के द्वारा भी, तो भगवान जबरदस्ती नहीं देंगे। हमारी इच्छा पे भी तो निर्भर करता है कि नहीं करता, किस इच्छा से भक्ति कर रहे। तो यहाँ कह रहे हैं कि फलाभिसंधि रहित, यानी किसी भौतिक फल यानी भोग के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं की है। बार बार बोल रहे हैं कि कृष्ण पार्थ सखी रतिर ममास्तु, पार्थ सखा में मेरी रति हो, रति की ही प्रार्थना की है। हिंट आ रहा है ना कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। हमारा हृदय कलुषित हो है भी, फिर भी भगवान की रति की ही प्रार्थना करनी चाहिए। बस ये है कि दिमाग में घुस जाए श्रवण करके कि मुझे भगवान का प्रेम चाहिए। भक्ति योग प्रयोजिता, मतलब वह भक्ति जिसका प्रयोजन, जिसका लक्ष्य भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एक बार में नहीं जाता दिमाग में। तो इसलिए क्योंकि भीष्मदेव नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वह मोक्ष को प्राप्त हुए ना, सायुज मोक्ष को नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान के द्वारा बलपूर्वक अवांछित फल प्रदान करना अनुचित होगा, अर्थात भगवान अपने भक्त को अवांछित फल नहीं प्रदान करते हैं। इस कारण से भीष्मदेव को ब्रह्म सायुज प्राप्ति हुई ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई कठिनाई है यहाँ पर? ठीक है, तात्पर्य परम पूर्ण की अनंत शाश्वतता में प्रविष्ट होना या लीन होने का अर्थ है जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना, अर्थात भगवान के धाम में प्रविष्ट होकर उनकी नित्य सेवा में लग जाना। सारे जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के ही अंश हैं, अतएव वे उनसे सेवक तथा सेव भाव से शाश्वत रूप में संबंधित हैं। हर जीव का भगवान से एक विशिष्ट सेवा का भाव होता है और भगवान के व्यक्तित्व के अंश हैं, अर्थात जिस प्रकार से भगवान एक व्यक्ति हैं, हम भी एक व्यक्ति हैं, हमारी सत्ता कभी नष्ट नहीं होती। जैसे हम सभी लोग यहाँ पे सचेत हैं कि हम यहाँ हैं, कृष्णा आप हैं यहाँ पे, तो केवल कृष्णा ही ने हाँ क्यों बोला, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मैं उनको ही पुकार रहा हूँ। आदि कवि प्रभु है कि नहीं, आप ही को तो बोल रहा हूँ, कितना अमेजिंग है ना कि सब लोग जान रहे हैं कि मैं आदि कवि प्रभु से ही बात कर रहा हूँ। क्या आपके कुर्ते को भी ऐसा लग रहा है? दिस इज कॉल्ड ज्ञान शक्ति, मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। तो ये भावना आत्मा की हमेशा रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। ठीक है, भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी तरह सेवित हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार पूरी मशीन अपने कल पुर्जों से संचालित होती है। यदि मशीन का कोई पुर्जा उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। इसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश व्यर्थ हो जाता है। इतना सुंदर लाइन है, क्यों ना इसको हाईलाइट किया जाए, हाईलाइट किया ही है। इसको समझने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन में भी देखे होंगे कि कोई आपके पास मान लो फ्रिज है या और लैपटॉप कोई वस्तु है, उसका छोटा सा पुर्जा खराब हो जाता है तो उसके लिए हम कितना प्रयास करते हैं ठीक हो जाए, वापस लग जाए। और यह भी जानते हैं, ऐसा समझिए, प्रभु धारण लेते हैं हवाई जहाज में, हवाई जहाज उड़ रहा है, लगा हुआ नट भी हवाई जहाज है। कितना महत्व, बहुत सुंदर उदाहरण प्रभात दे रहे हैं। एक नट की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए 20 रुपए, लेकिन वो अगर अपने स्थान पे है तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, नट एकदम छोटा वस्तु है लेकिन अपने स्थान पे है तो उसकी बहुत वैल्यू है। गलत तो नहीं कह रहे ना, लेकिन अगर अपने स्थान से च्युत हो जाए, वो गिर जाए, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं, उसे कबाड़ में बेच दिया जाएगा। इसी तरह अगर जीव भगवान की सेवा में लगा है तो उसकी बहुत महत्व है, और नहीं तो यूजलेस। अभी आप आगे के श्लोकों में देखने वाले, आज नहीं आगे देखने वाले, कि जब भीष्म पितामह शरीर त्यागे तो देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करी, हेलीकॉप्टर से नहीं। है ना, यहाँ के कौन सा प्राइम मिनिस्टर मरा या कोई व्यक्ति मरा जिसके ऊपर आकाश पुष्प वर्षा हो रही हो, देवताओं कुछ नहीं, कीड़े की तरह लोग जी रहे हैं, कीड़े की तरह मर रहे हैं।
कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मरने के उपलक्ष्य में ऋषि मुनि आते हैं, जरा बताइए, वो भी पूरे ब्रह्मांड भर से मर ही रहे हैं ना, है कि नहीं। इसी को धारण प्रभुपाद अच्छा देते हैं, सब समझ सकते हैं कि उंगली हल्का सा कट जाए, कुछ कष्ट हो जाए, तो हम लोग तुरंत उसकी उसको मरहम पट्टी करने के लिए कितना भी पैसा खर्च करते हैं कि नहीं। और वही अगर उंगली कट के अलग होकर गिर जाए तो वो सड़ती रहती है, कोई ध्यान नहीं देता, गलत तो नहीं बोल रहे। तो अगर हम भगवान की सेवा छोड़ देते हैं तो जस्ट इमेजिन वी आर अ लॉस्ट कंडीशन सोल। भगवान की सेवा नहीं कोई कर रहा है तो जैसे लोफर, क्षमा कीजिएगा मैं शब्द कठोर यूज कर, लोफर कुत्ता होता है ना, जो कोई भी उसको आकर के जान से भी मार दे उसे कोई रक्षा करने वाला नहीं। ऐसी स्थिति है एक बद्धात्मा की जो भगवान की सेवा से च्युत है, नहीं तो यमदूत के यमदूत आके पीट रहे हैं कि नहीं पीट रहे हैं, कौन रोक रहा है जरा बताइए, पाप कर रहा है भगवान की सेवा नहीं कर रहा, यमदूत आकर के लसल लसल के मारते हैं उसको। और देखिए अजामिल जैसा व्यक्ति जो भगवान का भजन नहीं कर रहा था, माला नहीं उठाया, उसको छूने का सामर्थ्य लेके आए, देखिए चार भगवान ने दूत अपने भेजे। आप देख रहे हैं कि अनजान में भगवान की सेवा करने से कितना लाभ है, सोचिए आप, कभी विचार किए इस तरह से कि अजामिल जैसा व्यक्ति जो कोई नहीं कह सकता था कि वह भगवान की सेवा कर रहा है, अपने बेटे का नाम नारायण नारायण बोल रहा था, उसको बचाने के लिए भगवान ने अपने दूत भेजे। कितना प्रेम करते हैं, जो एक अभी नहीं कह सकती कि वो भक्ति कर रहा था, बिल्कुल नहीं कह सकते, ऐसे तो भक्ति कर रहा था, अनजान में नाम उच्चारण कर रहा था, लेकिन इतना भगवान ध्यान रखते हैं। और नहीं तो बड़े बड़े राजा भी नरक में घसीटे जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात, अंतर समझ रहे हैं ना, एक छोटा सा पिल्ला भी है लेकिन अगर गले में पट्टा बंधा हुआ है अपने स्वामी का तो उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़ा कुत्ता भी हो, लोफर कुत्ता जिसे कहना चाहिए, उसको कुछ भी पकड़ के ले जाएगा, मारेगा। ये बहुत सुंदर बात है, तो अपने को भगवान की सेवा से अलग नहीं रखना चाहिए, ये शिक्षा हमको रखनी चाहिए। सेवा का अर्थ केवल यही नहीं कि हाथ पैर की सेवा, श्रवण कीर्तन जप भक्ति इस प्रकार से प्रणाम करना सेवा करना लगी रहना चाहिए किसी ना किसी रूप में। क्या एक श्लोक है, मैं हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा न भजिया, जानिया सुनिया शिखाई नो। एक तो यही है और दूसरा क्या है, से संबंध नाही जारा वृथा जन्मा गैलो तारा, से पशु बड़ा दुराचार, से पशु बड़ा दुराचार। भगवान से अपने संबंध को नहीं समझ पाने के कारण हमारा जीवन पूरा व्यर्थ जा रहा है। और दूसरी तरफ यदि हमने थोड़ा सा भी प्रयास इस दिशा में किया तो भगवान बारंबार इस प्रयास को की निरंतरता बनाए रखेंगे। समझ रहे हैं, थोड़ा सा भी नाम जब किया है, प्रसाद खाया है, कुछ भी किसी तरह से भगवान की भक्ति करी है, फिर भगवान उस भक्त को भक्ति करने का मौका देंगे। ठीक है, इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे उससे कोई मतलब नहीं है। बुखार में खाना अच्छा नहीं लगता है, हम लोग फिर भी खाते हैं, और धीरे धीरे करते हुए आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप भक्ति करना, आप श्रवण किए कीर्तन किए अपना रह नहीं सकते। आप लोग को बहुत नॉर्मल लगता है ना कि आप एवरीडे भागवत में आ रहे हो, आयुष व्हाट डू यू थिंक, नॉर्मल है, इज इट नॉट नॉर्मल, ऐसे ऐसे करते थे ना बेस में, क्यों राहुल प्रो, अब 9.5 घंटे काम कर रहे थे आप, आनंद ले रहे थे, दिव्य लीला का नटवर रहो, अभी आप कुछ दिन पहले तो क्लास नहीं आते थे, नॉर्मल लगता था ना आप, मैं कोई गलती नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग बहुत नॉर्मल लग रहा है ना कि हम रोज 2 घंटा भागवत पढ़ सुन रहे हैं, मैं नॉर्मल है ना जनर, लेकिन जरा उन लोगों से पूछिए जो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, उनके लिए तो एक पनिशमेंट टाइप का हो गया। मैं कहने का मतलब अभी भी भगवान से कितना प्रेम बढ़ गया है उसको हम समझ नहीं रहे। मेक सेंस टू यू, कोई समझ आ रहा, कितने लोग जो सुबह उठ के नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अभी भी भगवान से कितना प्रेम बढ़ गया है ये हम समझ नहीं पा रहे। और तब समझ में आता है जब अन्य लोगों की लालसाओं को देखते हैं, अन्य लोगों की जीवन शैली को देखते हैं। मेक सेंस, तो हम खाली बोल रहे थे कि भगवान की सेवा करती रही, इसी से सेवा से आगे हमारी और उत्तरोत्तर प्रगति, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं
वे सारे परम पूर्ण से पृथक हुए अंश हैं। समझ में आया, जैसे उंगली काट के अलग कर दी गई, और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं, तथापि कुछ जीव अधिक जुड़े हुए होते हैं जो नित्य मुक्त होते हैं, भगवान के धाम में। भगवान की भौतिक शक्ति जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी ग्रह की अध्यक्षा कहा जाता है, सारे छितराए हुए अंशों का भार अपने ऊपर ले लेती है, और इस प्रकार ये जीव प्रकृति के नियम अनुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। ये समझ में आ रहा है, कल उदाहरण दिया था ना कि अग्नि की जो चिंगारियां जगह जगह फटक जाएं, उसी तरह से हम छोटी चिंगारी के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। डज इट मेक सेंस? और हमारा पालन पोषण कौन कर रही है? दुर्गा आंटी। लेकिन ये दुर्गा आंटी बिल्कुल प्रेम नहीं करती हैं, तेज चाटे जवाती हैं, क्योंकि ट्यूशन मास्टर होता ना, देख देख, पिताजी की बात बच्चा नहीं मानता है तो एक स्ट्रिक्ट ट्यूशन मास्टर के अंडर रख लेते हैं, वो खूब चाटे बजाता है। उसी प्रकार से दुर्गा देवी आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक चाटे तापे लगाए जा रहा, थापड़ ताप खूब लगा रही है, ताकि जीव भगवान की तरफ उन्मुख हो। और अद्भुत बात यह है कि दुख भोगने के बाद भी व्यक्ति सोचता है हमें तो कोई दुख नहीं है। प्रभुपाद जी से व्यक्ति बोला हम तो संतुष्ट हैं, तो प्रभुपाद जी कहते संतुष्ट तो गधा भी होता है है कि नहीं? थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करके सुखी है वो, तो ये मूर्खता है। जब जीव को इसका आभास हो जाता है, किसका आभास? कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं यहां का नहीं हूं। बहुत सुंदर लाइन प्रभुपाद की है। तब वह अपने घर अर्थात भगवत धाम को वापस जाना चाहता है, और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है। ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर ये चिंगारी हृदय में जागृत हो रही है तो ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि हम यहाँ के नहीं हैं, हमें भगवान के पास जाना है, हमें भगवान के पास जाना है, मैं भगवान की भक्ति करने। ये एकदम आंखों से दिखता है कैसे लोग केवल अपने इस व्यक्त जीवन के प्रति पूरी तरह से अब्जॉर्ब अभिनिविष्ट है। ये हमारा परिवार है, हमें यही करना है, हम भक्ति नहीं कर सकते इत्यादि इत्यादि, हमारे पास टाइम कहाँ है। क्या इसी भावना से लोग युक्त नहीं है? समाज क्या कहेगा अगर हम केवल भक्ति करते रहेंगे? यद्यपि हमारे पास अच्छा मान लो किसी पास पैसे नहीं तो काम करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बार तो पैसे होते हुए भी लोग लगे हुए हैं, होते हुए भी लोग लगे हैं, है कि नहीं? आप ऐसे कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं, ऐसी चेतना की बस मैं यही कहूं, मैं यही कहूं, यही जीना, यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, है कि नहीं? तुम जाना कहां बेटा, वो तो तुम्हें प्रकृति बताएगी तो कहां जाना है तुमको। प्रभुपाद जी का शब्द कितना सुंदर, लोग नहीं जान रहे हैं कि कल सुबह वह कुत्ते के शरीर में हो सकते हैं। दे कैन बी इन अ डॉग्स बॉडी टुमारो, जस्ट टुमारो, हिटिंग स्टेटमेंट है ना, कुछ नहीं पता लो। यह आध्यात्मिक जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है, और ये तभी होता है जब व्यक्ति श्रवण करे प्रचुर मात्रा में, नहीं तो होता नहीं है। प्रमुख रूप से यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान वैराग्य तथा भगवत भक्ति से सफलीभूत होती है। ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म अर्थात परम पूर्ण विषय प्रत्येक वस्तु का ज्ञान, यानी भगवान के संबंध, भगवान, भगवान की शक्तियां, भगवान की लीला इत्यादि का ज्ञान। वैराग्य का अर्थ है भौतिक आसक्ति से विरक्ति और भक्तिमय सेवा जीव की मूल स्थिति के द्वारा अभ्यास किया जाने वाला पुनर्जागरण है। समझने का प्रयास कीजिए। ओ कृष्णा, नाउ दिस हैज गॉन, यू सी, क्या के घबराइए मत, मैंने कुछ बोला नहीं था। वीडियो फ्रीजिंग, आई नो, एटलीस्ट ऑडियो इज कमिंग। यहाँ बहुत ठंडा है रूम में, इसलिए वीडियो फ्रीज हो रहा है, मुझे ऐसा ही लगता है। आवाज आ रही है? ठीक, सुनिए आवाज, सुनिए। आज हमारा नेट नहीं ठीक से चल रहा, क्या कर सकते हैं? ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, टेक्स्ट भी नहीं दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा होगा। ठीक है, कहाँ थे हम? वैराग्य का अर्थ क्या है? देखिए, वैराग्य का अर्थ है भौतिक आसक्ति से विरक्ति, मतलब आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि से विरक्ति, भोगों से विरक्ति, और भगवान की सेवा से इतर कोई भी वस्तु उसमें आसक्ति न होने से विरक्ति कहलाता है।
और भक्तिमय सेवा जीव की मूल स्थिति के द्वारा अभ्यास किया पुनर्जागरण है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम सभी लोग भगवान के सहज नैसर्गिक प्रेमी हैं। द्रौपद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे छोटे बच्चे में चलने की क्षमता पहले से ही होती है, अगर बच्चे में चलने की क्षमता नहीं हो तो अभ्यास के द्वारा चलने की क्षमता को जागृत नहीं किया जा सकता। जो को भी माँ पिताजी हैं वो जानते हैं, बच्चों को आप चलने की ट्रेनिंग देते हो ये समझते हुए कि बच्चों में चलने की क्षमता है, चलने की क्षमता नहीं हो तो नहीं, अभ्यास करने से नहीं आ जाएगा। जैसे प्रभात बोलते हैं कि अभ्यास करने से उड़ना तो नहीं सिखा सकते आप उड़ना तो नहीं, उड़ने की क्षमता नहीं है तो अभ्यास करने से उड़ना तो नहीं सीख जाएंगे आप है कि नहीं, कि तो सुंदर उदाहरण है। तो उसी प्रकार से भक्ति का अभ्यास कोई मतलब काल्पनिक नहीं है। भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, उनका उनसे जो भी संबंध स्थापित करके सेवा करना, ये जीव के लिए सहज है। एक और एग्जांपल प्रभुपाद जी के देते हैं कि मान लो कार की बैटरी डाउन हो, थोड़ा धक्का मारने से कार चलने लगती है, ऐसा नहीं कि कार धक्का मार के ही चलाई जाती है समझ रहे हैं कि नहीं, धक्का मार मार के पूरा कार नहीं, कार के अंदर स्वयं सामर्थ्य है, कभी कभी बैटरी ठंडी पड़ जाती तो उसमें धक्का मारते चल हो जाती। उसी प्रकार से साधन भक्ति धक्का मारने वाली है। अब इसीलिए हम देखिए धक्का मारते हैं, सुबह उठो जब करो क्यों नहीं आ रहे ये वो, धक्का मारते रहते हैं तो धीरे धीरे आपको सब अच्छा लगने लगता है। अब यहां धक्का मार के तो नहीं लाया गया आप लोगों ने, तब देख रहे सुनते सुनते फिर अब अच्छा लगने लग जाता है, अपने आप सहज रूप से भगवान की भक्ति करने लगता है। ठीक है, ये समझ में आया। पुनर्जागरण मतलब भगवान के प्रेम को जागृत करने का बात हो रही है। जो सफल जीव परम पूर्ण के राज्य में प्रवेश होने के अधिकारी होते हैं वे ज्ञानी योगी तथा भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी तथा योगी भगवान के व्यक्तित्वहीन तेज में प्रविष्ट होते हैं, अर्थात ब्रह्म ज्योति में। ये थोड़ा क्लियर करना होगा, भले ही यह लग रहा है कि योगी परमात्मा का ध्यान कर रहा है लेकिन उसकी यह भाव नहीं है कि मैं परमात्मा के नित्य सेवा में लगूं, वह ब्रह्म सायुज ही प्राप्त करना चाहता है। योगी और ज्ञानी जन तो ब्रह्म सायुज प्राप्त करना चाहते हैं, ये क्लियर हो रहा है, इसलिए प्रभुपाद से कह रहे हैं। लेकिन भक्त वैकुंठ लोक कहे जाने वाले दिव्य लोकों में प्रविष्ट होते हैं, स्पष्ट है। इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है और स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास सखा माता पिता तथा प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेममय सेवा करते हुए वहां रहते हैं। तो अब आप देखिए ये प्रभुपाद जी ने जनरल बात बोल दी है। हम पहले ही सुन चुके हैं कि वैकुंठ में भगवान के माता पिता नहीं होते, शांतरस दासरस और कुछ जैसे लक्ष्मी जी हैं, तुलसी देवी भी, कुछ लोग हो सकते हैं जिनका माधुर भाव भगवान से प्राय इस प्रकार से होते हैं। प्रभात एक जनरल वे में कह रहे हैं, गोलोक और वैकुंठ को एक साथ लेकर कह रहे हैं। वहां मुक्त जीव भगवान के संग साथ पूर्ण उन्मुक्तता में रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं, लेकिन निराकारवादी ज्ञानी तथा योगी वैकुंठ लोक के निर्विशेष तेज में प्रवेश करते हैं। स्पष्ट है, सब समझ रहे हैं। वैकुंठ लोक ग्रह सूर्य के समान सदैव प्रदीप्त रहते हैं और वैकुंठ के ग्रहों की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है और यह भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है, अर्थात आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ जगत मतलब वैकुंठ ग्रह और उसमें ब्रह्म ज्योति, और जैसे यहां पे आकाश के एक कोने में कहीं बादल हो उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति के एक कोने में भौतिक आकाश में एक भौतिक सॉरी आध्यात्मिक आकाश के इस कोने में एक भौतिक ब्रह्मांड या एक भौतिक प्रकृति छोटे से कोने में वहीं पे सारे ब्रह्मांड हैं। कोई कंपटीशन नहीं वैकुंठ में, समझ रहे हैं, हम सब लोग के लिए स्थान है, कोई कंपटीशन नहीं, झगड़ा तो खैर कोई मतलब ही नहीं। यह आवरण क्षणिक है, अतएव यह एक प्रकार का भ्रम और मोह है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए, जहां भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में मुक्त जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए, मतलब उनका नेतृत्व कर रहे हैं और वे जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो उनके नित्य पार्षद बनकर चले गए। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं वह भीष्मदेव में प्रकट है। भीष्मदेव भगवान के पार्थ सारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले
और जिस समय भीष्म देव देवलोक को प्रयाण कर रहे थे तो भगवान सशरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो अंत में भगवान की स्मृति करके भगवान के पास चले गए। आगे की बातों को हम कल सुनते रहेंगे। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है तो? नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं नहीं, प्रश्न है, माइक दीजिए प्रभु जी को। यहाँ प्रश्न हमारे पास भी है। बाबू जी, मेरा विष्णुदेव तो उन्होंने उनका जो पात्रशाह जो रूप है उसमें उन्होंने उनका एकदम फिक्स्ड हो गया। हाँ, उनका उनका जो स्वरूप था, उनका जो आकर्षण था, वो भगवान के पार्थ सारथी स्वरूप पे था। हाँ, उसमें। लेकिन जैसा हम अपना स्थिति में देखते हैं कि किसी भी आदमी के ऐसे ही कोई परफेक्ट भगवान का किसी रूप में सबको के ऐसा होता है क्या ना? अच्छा प्रश्न है कि हम कैसे जाने, अगर मैं समझ रहा हूँ आपका प्रश्न, हम कैसे जाने कि हम भगवान के कौन स्वरूप के प्रति आकृष्ट हैं? देखिए प्रभु जी, अभी हम लोगों को अपने हृदय को शुद्ध करने पे फोकस करना पड़ेगा। आगे जाकर उच्चतर भक्ति की अवस्था जब होंगी तो भगवान में आसक्त होगा। देखिए सिस्टम ये है कि रुचि के स्तर तक सेवा में आसक्त रहता है और आसक्ति में वो भगवान में आसक्त होना शुरू हो जाता है। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? हम सभी लोगों को भगवान की सेवा करना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं होता कि हम भगवान में आसक्त हैं। लेकिन जो मुझे स्मृति से ही बोल रहा, माधुर कदम ने स्पष्ट हम सुने थे कि आसक्ति के स्तर पर वो भगवान में आसक्त होना शुरू हो जाता है। ही इज ऑल्सो अटैच्ड टू द पर्सन। कुछ कुछ अंदाजा लगने लगता है कि किस प्रकार, अभी मैं इसको एकदम ठीक से उत्तर नहीं दे सकता, एग्जैक्ट उत्तर नहीं दे सकता हूँ कि किस स्टेज पे क्या होता है, उसके लिए माधुर कादंबनी को रेफर करना पड़ेगा। मैं खाली स्मृति से बोला, लेकिन ये समझ लेना होगा कि जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, हम अभी भगवान की सारी लीलाओं को सुनते हैं और फिर सहज रूप से भगवान की कुछ विशिष्ट लीलाओं के प्रति आकर्षण होने लगता है। सहज मतलब सहज, हम सोच नहीं रहे हैं कि हमारा इन लीलाओं के प्रति आकर्षण हो, हमको सहज रूप से वो अच्छी नहीं लगने लगती हैं। तो उसके द्वारा व्यक्ति समझ सकता है कि उसका भगवान से किस प्रकार का संबंध है। जैसे आप देखिए भीष्मदेव क्या बोल रहे थे, मैं चाहकर भी पार्थ सारथी स्वरूप को त्याग नहीं पा रहा हूं। ये होता है सहज का अर्थ, प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। मेक सेंस? तो बारम्बार कथा श्रवण के द्वारा व्यक्ति का आकर्षण भगवान के प्रति इस प्रकार से होता है। नामोच्चारण करने से और भगवान की कथा को बारंबार श्रवण करने से भगवान के प्रति प्रेम इस प्रकार का जागृत होता है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, वी कैन फिनिश्ड। ओके, सो और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं। भीष्म देव ने अंतिम श्वास लेते समय स्वयं को भगवान श्री कृष्ण में किस प्रकार लीन किया? एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, कौन उत्तर देना चाहता है? जानकी माता जी, रेवती माता जी एंड शशिकांत प्रभु, सुरभि माता जी, लेट अस गिव अस चांस टू आवर डियर शशिकांत प्रभु। हमने उनको पहले बिल्कुल चांस नहीं दिया, एंड देन वी गोइंग टू स्टार्ट विद संतोष कृष्ण प्रभु। आज हम प्रभु जी को फेवर कर रहे हैं। ओके, यस। विष्णुदेव ने मन वाणी दृष्टि तथा कार्यों से समझ गया, यानी भगवान को मैं अपनी वाणी मन और दृष्टि को समर्पित करते हैं। ठीक है, आपका जो इंटरनेट की वृत्ति है वो बहुत गड़बड़ है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आती है। ठीक है, ऐसा लग रहा है ऐसे खांसी हो गई आप। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने सुन लिया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारार्थ दर्शनी के अनुसार आत्मनि एवं आत्मानम का अर्थ समझाइए। तो पहले श्लोक समझ दिख रहा है ना आपको? आत्मनि एवं आत्मानम का अर्थ समझाइए। लेट्स सी हु वांट टू आंसर दिस। प्रिय श्रवसी मत हरिस्मृति माता जी, ओके, यू वांट टू गिव, बहुत दिन के बाद आप प्रश्नोत्तर में आए, ठीक है, आप बताइए इसका अर्थ क्या है। आपकी आवाज नहीं। हाँ बोलिए। आत्मनि अर्थात? बहुत कम आवाज है, माइक नहीं है आपके पास। देखिए, जो लोग भी उत्तर देना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि माइक जरूर पास पे रखें। यहाँ भी भक्त हैं, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है आपके पास। अगर हो सके तो माइक रखिएगा पास में। है आपके पास माइक?
नहीं है, ठीक है, थोड़ा जोर से बोलिए फिर। प्रभु जी आत्मनि अर्थात उन्होंने अपने हृदय में स्थित भगवान के पार्थसारथी स्वरूप में अपनी सारी वृत्तियों को आविष्ट कर लिया था, यानी कि आत्मनस कर लिया था और अपनी श्वास को रोक लिया था। आत्माना मतलब स्वयं को, अपनी पूरी चेतना को भगवान आत्मनि अर्थात परमात्मा, परमात्मा मतलब पार्थ सारथी स्वरूप में आविष्ट कर दिया। ठीक है, गुड। अरे इतना सीख गए, यही बहुत है, कम है क्या? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उपारमत का अर्थ बताइए, ये बहुत गंभीर है। दिस इज माता जी वांट टू, ओ फाइनली माता जी जग गई, ठीक है दीजिए माइक दीजिए। हरि प्रिया माता जी वांट टू आंसर। उपारमत का अर्थ क्या है? गलत नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं घबराई मत बोलिए। उपारमत का अर्थ है प्रभु जी भीष्म देव जी ने अपने बाह्य जो गतिविधि को रोक दिया, मतलब शांत हो गए। हाँ ये अर्थ नहीं कि मर गए, वो समाधिस्थ हो गए और उसके बाद फिर वह भगवान के पास चले। गुड, देखिए सुनने से ध्यान पूर्वक सुनने से होगा, माला बना के सुनते तो नहीं होता, नहीं आप तो नहीं बनाते लेकिन लेकिन माला बना बना के सुनते तो नहीं होता, नहीं नहीं इतना मजाक नहीं करेंगे, इतना मजाक नहीं। एक्चुअली देखिए क्या होता है, कुछ कठिन नहीं है लेकिन आप आंख गड़ा करके, मन गड़ा करके, बुद्धि गड़ा कर देखेंगे तो याद हो जाता है। कैसे याद हो रहा है? और एक और चीज पता है क्या है, हम स्पिरिचुअल डिस्कशंस के अभ्यस्त हो जाते हैं। आप देख रहे हैं बार बार उन शब्दों को सुनने से आपका मन उसको पकड़ने लगता है। आप देख रहे हैं जो एकदम नया व्यक्ति आएगा ना उसको लगेगा क्या बात हो रही है, उपारमत और ये चक्रवर्ती पात्र, या ये भी याद नहीं रहेगा कौन से किस टीका किसने लिखी है, हो सकता है। लेकिन आप बार बार सुनेंगे तो आपका मन अभ्यस्त हो जाता है उसको पकड़ने में। गुड, वेरी नाइस। चौथा, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से भीष्म देव अपने भौतिक शरीर का त्याग करते समय जिस अवस्था को प्राप्त हुए वह क्या कहलाती है और क्यों? ओके, कौन उत्तर देना चाहते हैं यहाँ पे? रेवती माता जी हैव सीन हर, ओके प्लीज गिव आंसर। यस विल गिव एवरी, और शरद पूर्णिमा माता जी वांटेड आंसर, चलिए कोई बात नहीं, विल गिव चांस टू रेवती, नेक्स्ट क्वेश्चन गोस टू यू। यस अपने भौतिक शरीर का त्याग करते समय जिस अवस्था को प्राप्त हुए वह निर्विकल्प समाधि कहलाती है। निर्विकल्प अर्थात कोई और विकल्प मन में ना रह जाए। उन्होंने अपनी सारी वृत्तियों को भगवान में आविष्ट कर दिया, हर प्रकार से अविचल भाव से भगवान में मन लगा दिया। उन्होंने अपनी दृष्टि से भगवान का दर्शन किया एवं अविचल भाव से दर्शन किया एवं मन को भगवान के स्मरण में लगा दिया। इस प्रकार से सभी वृत्तियों को भगवान में आविष्ट कर दिया, बहुत सुंदर, सारे तरीकों का स्मरण किया। अजीब सी आवाज क्या हो गई थी, एनीवेज ओके नेक्स्ट कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अवस्था को प्राप्त करना किसके लिए संभव है और कैसे? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, माता जी के लिए, गृहिणी के लिए, सॉरी किसके लिए संभव है, किसके लिए नहीं, आप बताइए और किस प्रकार से। ये अच्छा प्रश्न है और ये बहुत ध्यान पूर्वक उत्तर दीजिए। कौन देना चाहते हैं? सुरभि माता जी ने हाथ खड़ा किया है तो बताइए। हाँ बोली माता जी, सही नहीं किया हाथ खड़ा, आप क्या सोच रही हैं? हाथ जब खड़ा करेंगे तभी पूछेंगे, बताइए बताइए कैसे होगा, सबके लिए संभव, आपके लिए संभव है कि नहीं है बताइए। हाँ कैसे संभव है? टमाटो केचप बनाते रहेंगे तब होगा संभव, कि टमाटो केचप बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। ठीक है ठीक, हाँ बोली बोली बोली, हाँ बोली बोली बोली, हाँ मजाक। इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है भक्ति कर, मतलब हाँ और कैसे भक्ति? देखिए भक्ति बताया गया प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट बताया, तो मैं उत्तर सुनना चाहता हूँ कानों से कि उसमें आप उत्तर दे सकते हैं। दिस आई वांट टू हियर द एग्जैक्ट आंसर, ये हमारे लिए सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रश्नोत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। जानकी माता जी यू वांट टू आंसर, ओके गो अहेड, इफ शी कैन नॉट देन अमल कृष्ण विल आंसर, यस प्रो, अदरवाइज संतोष कृष्ण प्रो विल आंसर। यस माता जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, आपकी वाणी की वृत्ति हम तक नहीं पहुंच रही है, नहीं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपको सुनाई दे रहा है तो उत्तर सुन लीजिए, हमको तो सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है अमल कृष्ण, यस ये उत्तर मुझे वैसे ही सुनना है जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं।
बोलिए। भगवान की भक्ति करके इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट श्रवण और कीर्तन के द्वारा। ठीक है, प्रिय शिवसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। यह अवस्था प्राप्त करना किसी के लिए भी संभव है, और इसके लिए जो नवदा भक्ति है, श्रवणम स्मरणम कीर्तनम, ये सब जो है उसके द्वारा, उसमें से किसी भी एक मतलब एक भी अगर भक्ति का वो ले लिया जाए, उसके द्वारा ही ये संभव है। परंतु जो एक ही भक्ति है, का वो क्या ले लिया जाए, अचार, आम का अचार क्या? नवदा भक्ति एक भी भक्ति की शरण ले ली जाए, वो ले ली जाए क्या, वो ऐसे पढ़ाएंगे आप लोग? एक भी भक्ति की शरण ले ली जाए, तो एक ही भक्ति की शरण से यह संभव है। परंतु श्रवण जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है, और वह भी किसी दक्ष पथ प्रदर्शक या दक्ष भगवत भक्त के आश्रय में, अगर हम के पथ मार्गदर्शन में अगर हम वो करें, जैसे भगवत गीता और भागवतम भगवान से अभिन्न है, तो सारे प्रश्न सारी बातें मत बोलते रहिए, बस आपने एक बात बहुत वो सुनना चाह रहा था मैं, कि भक्त के मार्गदर्शन में और दूसरा निरंतर। ऑब्वियसली वो आप बात जो बोल रहे हो भी ठीक है, भगवत गीता भागवत शब्द, लेकिन अनुगत्य होना बहुत जरूरी है। सुबह कितने बजे उठना है, कितना जप करना है, प्रभुपाद जी ने एकदम चॉक्ड आउट प्लान दिया हुआ है। शाम को कृष्ण कथा सुननी है, सुबह एकदम सटीक तरीका दिया जिसके द्वारा हम भगवान में अपनी वृत्तियों को लगा सकते हैं। मन माने तरीके से करने वाले व्यक्ति को ऐसी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। बहुत अच्छा ये प्रश्न था। आगे, भगवान की नवदा भक्ति के 9 अंगों का वर्णन कीजिए एवं इनका अभ्यास कैसे किया जाना चाहिए। इसका तो अभी हो गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि, और भक्त के अनुगत्य होना चाहिए। इसका उत्तर मैं इजी है क्वेश्चन, उसको छोड़ दे रहे हैं। जो व्यक्ति अंत में भीष्म देव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए क्या आवश्यक है, इसका उत्तर भी हो ही गया। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अब यहाँ पे बन रही, उसको उत्तर दीजिए, क्या आवश्यक है। लेट्स सी इफ जानकी माता जी कैन आंसर एंड स्पीक इट आउट। यस प्लीज गो अहेड। यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ, यू हैव नॉट अनम्यूटेड। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, उसके लिए आवश्यक है कि वह भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण और कीर्तन करे, जिससे अंत समय में वह भगवान का स्मरण कर सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं होगा तो समझ नहीं पाएगा कि कैसे उसकी वृत्तियां गलत दिशा में जा रही हैं, विवेक का निर्माण बिल्कुल नहीं पाएगा। ठीक है, निरंतर भक्ति कर। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। 44, भीष्म देव को क्षमा कीजिएगा एक मिनट, भीष्म देव को परब्रह्म में लीन हुआ जानकर, वाओ, लेट्स सी हु कैन रीड। इसके लिए तो आपके पास बहुत ध्यान से सुना रहना चाहिए। भीष्म देव को परब्रह्म में लीन हुए जानकर सभी किस प्रकार मौन हो गए। यहाँ कोई उत्तर देना चाहता है, यहाँ कोई बोलना चाहते हैं, माइक भी बोलिए। राहुल प्रभु, यस, इसमें बहुत आनंद आएगा, इस प्रश्न में तो मैं खूब प्रश्न करने वाला हूँ, अगर कुछ छूट जाएगा तो मैं भी प्रश्न करूंगा। हाँ जी, जैसे आपका मृदंग बोलता है वैसे उसी माइक से आप भी बोलिए कुछ। हाँ, जैसे दिन ढल जाने पे पक्षी शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ये तो इतना अभी हम छोड़ने वाले नहीं, इस पे खूब प्रश्न करेंगे अभी। अब बहुत अच्छा ये चीज है, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं अगर हमारे प्रश्न सेट करने वाले ने वो चीज रखी है कि नहीं, अदरवाइज हम फिर से करेंगे उसको। नेक्स्ट, सारार्थ दर्शनी के अनुसार ब्रह्मणे निष्कले का क्या अर्थ किया गया है। बहुत टेस्टी क्वेश्चन है, लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। जूम पे कौन उत्तर देना चाहते हैं? अमल कृष्णा, रेवती माता जी, जानकी माता जी, प्रिय श्रवस्ती, पूजा माता जी, यस, वी गिव यू चांस नाउ। राधा वर्मा माता जी डज नॉट नो हिंदी, है ना, या तो हिंदी नहीं जानती है। अच्छा, माइक नहीं है, ठीक है, बोलिए। निष्क का अर्थ होता है कंठ में धारण किए जाने वाला स्वर्ण आभूषण, और ब्रह्मणी निष्कले का अर्थ है कि जो जो भगवान कंठ में श्रवण आभूषण धारण करते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रह्मणी निष्कले का अर्थ हुआ कि वह परमात्मा परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जो अपने कंठ में स्वर्ण आभूषण धारण करते हैं। गुड,
आप लोग तो याद से रख ले सब कुछ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से वो प्रश्न नहीं है जो मैं करना चाहता हूं, अभी आ गया, चलो इनको पूर्ण करने के बाद हम प्रश्न करेंगे। जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा कब जगती है, कौन सी डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद? मैं मल्टीपल चॉइस दे रहा हूं, बीटेक, एमटेक, एमबीए इन फाइनेंस या फिर नेट और क्या करने के बाद हमारे हृदय में आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत होती है? सीए, हाँ सीए करके तो जरूर होती है, सीए व्हाटएवर। तो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अरे यहाँ तो सब लोग कोई बोल ही नहीं रहा है। दीप्ति शर्मा माता जी नहीं बोलती हैं, आप कुछ नहीं पता आपको, कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। संतोष कृष्ण प्रभु बोलिए, करेंगे। हाँ कब आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत होती? हाँ भगवत गीता भागवतम श्रवण करने के, जब भगवत गीता भागवत श्रवण करता है तब उसकी। और ये एकदम थियोरेटिकल नहीं है, जो व्यक्ति बचपन से भक्त ना हो वो सब, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि सब लोग बचपन से भक्ति कर रहे हैं, हमारे हृदय में एकदम इच्छा नहीं थी कि हम भगवान को जाने, गलत तो नहीं कह रहे हैं। अब देख रहे हैं कि श्रवण का क्या प्रभाव है, हाँ या ना ये बताइए। और भक्ति में आने के बाद हम सोचते हैं अब हम सीख गए हैं, हम तो हमारे ना, ये श्रवण ढीला तो ये जिज्ञासा ढीली, और जिज्ञासा ढीली तो जिज्ञासा को शांत करने वाले प्रयास भी ढीले। क्लियर? इसीलिए एकदम फिक्स करना चाहिए, इसीलिए बारंबार राधा गोविंद मार्ग बोलते हैं, सुनना ही करना है, सुनो। और भगवान महान भी गीता में बोलते हैं, मैया सक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। सुनो, भक्ति आश्रित ग्रहित है, सुनने पे इतना जोर दिया जा रहा है। ओके, कठिन वाले प्रश्न नहीं सेट किए गए। ब्रह्म जिज्ञासा किसके किससे फलीभूत होती है, तो ये तो हमने पढ़ लिया, आध्यात्मिक ज्ञान से। एवं ज्ञानी योगी तथा भक्त गंतव्य स्थान कौन सा होता है? इजी क्वेश्चन है। ज्ञानी और योगी ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और भक्त भगवान के धाम जाता है। अभी मैं ये प्रश्न नहीं कर रहा, अब हम कठिन प्रश्न करेंगे। कठिन प्रश्न करने का मन कर रहा है। कठिन प्रश्न ये है कि जो व्याख्या की गई थी सारार्थ दर्शनी में, पक्षी चुप हो गए, जैसे दिन के अंत में पक्षी चुप हो गए, उसका भीष्म देव के प्रति जो सामान्य लोगों का दृष्टिकोण था, उस वो किस प्रकार से संबंधित है, ये बात माता जी उत्तर देना है। वाह, अब तो बहुत, चलिए कि बेटा माइक टू हर, आज आपका विशेष प्रसाद खिलाए हैं, ठीक है। एनीवेज, वेरी गुड, गिव इट अ ट्राई। गलत होने से भी घबराइएगा मत, क्योंकि ये बहुत कठिन प्रश्न है, पर देखना चाहता हूँ समझ पाए, प्रयास कीजिए। बाहर के लोग समझते थे कि भीष्म देव ब्रह्म में लीन हो गए, लेकिन यानी कि अब उनका अस्तित्व और खत्म जी। हाँ, लेकिन वास्तव में वो भगवान के नित्य लीला में, पार्थसारथी लीला में प्रवेश किए थे। ओके, एक पक्ष है, कोई बात नहीं, और इस पे लोग बिल्डअप कर सकते हैं। दिस इज अ टफ वन, रियली टफ वन। तो माता जी ने एक बात क्लियर, उसको माइक ऑफ कर दीजिए, एक बात क्लियर की कि लोग सोच रहे थे, सामान्य लोग सोच रहे थे, अज्ञ लोग सोच रहे थे कि भीष्म देव समाप्त हो गए, अब उनके समाप्त हो गए सर। जिस प्रकार से कंप्लीट कीजिए राहुल प्रभु, जिस प्रकार से दिन के समाप्त होने पे पक्षियों को लगता है कि दिन समाप्त हो गया है, पक्षी दिन के अंत में पक्षी सोच रहे हैं कि दिन समाप्त हो गया, लेकिन दिन कहीं ना कहीं तो है, दिन उसी क्षण कहीं ना कहीं है, ये क्लियर कीजिए। हाँ, प्लस 12 घंटे बाद फिर से वहां पे दिन आएगा, फिर से वहां पे आएगा, और समझाइए। तो इस तरह से भगवान की लीलाएं तो अन्यत्र चल ही रही हैं, जहां विष्णुदेव प्रवेश करते हैं। हाँ, प्लस इस धाम पे भी भगवान की लीलाएं पुनः प्रकट होती है, तो इसलिए ये समझना होगा कि विष्णुदेव भगवान की लीला में प्रवेश की है, लीन नहीं हुए। एक और भी कारण था जो चक्रवर्ती पाद बोले हैं कि नहीं, यह कहना युक्त नहीं है कि जूम के डिवोटीज के लिए, ध्यान से सुनो जूम के डिवोटीज, यह कहना युक्त नहीं है, युक्त मतलब युक्ति तर्क संगत बिल्कुल नहीं है कि भीष्म देव को सायुज मुक्ति प्राप्त हुई। कौन उत्तर देगा? प्रिय श्रवसी माता जी, पूजा माता जी, ओके फाइनली सर इज अवेक, प्लीज गो अहेड माता जी। प्रभु जी, भीष्म देव को सायुज मुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने भगवान से ऐसी प्रार्थना ही नहीं की थी,
उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि उनकी भगवान में रति और मति हो और भगवान अपने भक्त को कभी ऐसा वरदान या उनकी ऐसी इच्छा पूरी नहीं करते जो उन्होंने इच्छा की ही नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएट द डिवोटीज हियर। आप लोगों को अब प्रसन्नता हो रही कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे बार बार लग रहा था कि अभी मैं ये मन में संकल्प हुआ कि हम सनातन गोस्वामी की टीका लेकर पढ़ाएं नवदृष्टिकम पे, फिर मन में संशय हुआ इतनी टफ है तो समझें कैसे, तो टफ मतलब ना टफ से मतलब उस प्रकार की बुद्धि का निर्माण हो जाना चाहिए। तो मैं खुश हूँ कि अब आप लोग नियमित रूप से सुन करके अभ्यस्त हो रहे हैं विभिन्न अर्थों को ग्रहण कर पाने और समझने में, लेकिन देख लीजिए इसके लिए नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। और देख रहे हैं अब देखिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, और जब समझ में आता है तो रोचक लगता है कि नहीं, और जब नहीं समझ में आएगा तो लगेगा व्हाई आई एम हियर है कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ रह गया? हाँ पारायण रह गया, तो हम पारायण करके फिर आज रुकते हैं, 10 मिनट हमारे पास है। हाँ एक अनाउंसमेंट जरूर है, कल से हमें प्रसन्नता हो रही है 10 बजे से, टाइम एंडिंग टाइम तो 11:30 मान सकते हैं, 1.5 घंटे तक हम लोग श्रील सनातन गोस्वामी जी की शिक्षा को चर्चा करेंगे हिंदी में, 20वां अध्याय, फिर भगवान ने चाहा तो 21वां अध्याय, फिर भगवान ने चाहा तो 22वां अध्याय, और भगवान ने चाहा महापुण्य चाहा तो 23वां अध्याय, 4 अध्याय करने का प्रयास करेंगे। समय की कोई रात में नहीं कर पाऊंगा, तो 10 बजे आपका मतलब आमंत्रित है, प्रसाद वसाद लेकर के आइएगा, 1.5 घंटा हम करेंगे और आप लोगों को बहुत सुख मिलेगा, और प्रभुपाद जी की तात्पर्य को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर है वो, तो जीवन तो जा ही रहा है तो इस प्रकार से कुछ, और आपको अपनी भक्ति में बहुत लाभ मिलेगा, क्या क्या भक्ति के तत्व हैं, कैसे प्रगति करनी चाहिए, क्या कुछ है, सब कुछ महाप्रभु ने सब समझाया बहुत अच्छी तरह से। तो सभी लोग जो लोग भी बहुत उलझे हुए नहीं हैं कानों में, और जो मान लीजिए कुछ कार्य में उलझे हैं तो वो जूम के माध्यम से भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भागवत रोक दूंगा तो मान के चलिए कि उन 4 शिक्षाओं को करने, 4 चैप्टर करने में मुझे लग रहा है कम से कम 2 महीना लगेगा, 1.5 महीना लग सकता है, क्योंकि 20वां अध्याय में केवल 400 श्लोक हैं। तो अब जो लोग नहीं है आ पाएंगे वो लोग, उनके लिए ही उम्मीद है, उनके लिए है कि इसे इस क्लास के बाद अगर सुनना चाहें रिकॉर्डिंग तो उसे सुन सकते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं बताइए। बृहद भागवत में पढ़े, पहले भागवत तो पढ़ लो, बृहद भागवत में पढ़ेंगे ठीक है कि नहीं, वो सब आएगा उसमें, ओके फर्स्ट नाउ विल